गुड मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अकादमी नीट। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे निश्चय 2.0 की सीरीज में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बेटा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? दिन का सबसे पहला जरूरी सवाल होता है ये, है ना, कि भाई दिखाई सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताओ थम्स अप करके कि सर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, सब परफेक्ट है। हाँ जी, अच्छा कितने लोगों को सेमीकंडक्टर फिजिक्स मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बिग बैंग का सीजन चल रहा है, आपने देखा है। हमने सेमी यहाँ पर जो है कल एक स्पेशल क्लास ली थी जिसमें 10 बजे हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप मॉक टेस्ट में अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। 4-5 इंसाइट्स मैंने शेयर किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे बेटा वो सारी चीज़ें। अब आज 21 अप्रैल को भी टॉप एजुकेटर्स आपके लिए क्या लेने वाले हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक सेशंस लेने वाले हैं बेटा। तो MS लाइव कोड लगाकर आप एनरोल कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एटम की PDF में शेयर कर चुका हूं बेटा, कल मैंने इवनिंग में शेयर करी थी। चलो ठीक है बेटा, अरे ये क्या हो गया, एक और प्यारी चीज आपके लिए आई है वो बताना था मुझे। देखो जरा यहां पर, हाँ, नीट UG 2022 अनाउंस्ड, मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम विद द टर्बो 15 टेस्ट सीरीज। बेटा क्या है ये टर्बो 15 टेस्ट सीरीज, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लिए बेहतरीन रैंक स्कोर कर सकते हैं बेटा। तो 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आपका और 15 क्वेश्चंस एवरी डे एट 7:30 PM बेटा, डेली 7:30 बजे। आप 30 मिनट तक यानी कि 7:30 से 8 बजे का समय अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर 15 क्वेश्चंस बेटा, तो काफी सारे सवाल आपको इसी में से नीट में मिलने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये टॉप एजुकेटर ने क्यूरियोट करी है आप लोगों के लिए बेटा। तो एक छोटा सा आधे घंटे का काइंड ऑफ टेस्ट है जिससे आपका कंप्लीट रिविजन जो है टाइमली चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए अब शुरू करें कहानी, अब शुरू करें कहानी। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो कहाँ गए भाई बाकी सारे, जनता बुलाओ जल्दी से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेटा, सॉलिड की अगर हम बात करें, पहले सॉलिड क्या होता है, देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो एक तरह का सॉलिड है बेटा। तो पहले हम सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। सॉलिड्स हम किसे कहते हैं सर? ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जिसमें क्या होता है बेटा, जिनका शेप और साइज क्या होता है बेटा, शेप एंड साइज क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर शेप और साइज होता है यहां पर फिक्स, ठीक है, नो चेंज बेटा। शेप और साइज कैसा होता है इनका? फिक्स्ड होता है। अलग अलग तरह के यहां पर जो है सॉलिड मटेरियल्स हो सकते हैं। हमें तीन तरह के सॉलिड मटेरियल्स की बात करनी बेटा, हमें तीन तरह के सॉलिड मटेरियल्स के बारे में बात करना है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स क्या होते हैं, हमें बात करनी है कंडक्टर्स के बाद सेमीकंडक्टर्स की, और हमें बात करनी इंसुलेटर्स की, ठीक है। तो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा। कंडक्टर के पास क्या होता है सर, मेनी मेनी यहां पर क्या होता है सर, वेरी हाई या वेरी मच ऐसा लिख सकते हैं बेटा, वेरी हाई वैल्यू ऑफ, वेरी हाई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होते हैं इनके पास, वेरी हाई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सप्लेन करेंगे किस किस में इस तरह की चीज़ें पाई जाती है, वेरी हाई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। जैसे आप कॉपर का एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल एल्यूमिनियम का ले लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए गोल्ड का, सिल्वर का, एंड सो ऑन, राइट। हम कंडक्टर्स को एक तरह से क्या कहते हैं बेटा, ओशियन कहते हैं, ठीक है। कंडक्टर इज नथिंग बट ओशियन ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है बेटा, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन का अगर ओशियन है तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, वेरी लो होगी। रजिस्टिविटी इनकी वेरी लो होती है, बट कंडक्टिविटी सिग्मा क्या होता है बेटा, वेरी हाई होता है। बहुत अच्छे से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे। कंडक्टर्स के बारे में बात हो रही है, राइट बेटा। सो
वेरी हाई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर बहुत ह्यूज होता है बेटा, ओशन ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हम इसे कह सकते हैं। रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, ऑफर्स वेरी लेस रेजिस्टेंस, किसके लिए, आपके करंट के फ्लो के लिए। ये कंडक्टर्स की कहानी है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे अभी हमारे इसी फेज टू के सिलेबस में बेटा। फिर हम बात करते हैं सेकेंड वन, है ना, अभी हम बात करें यहां पर फर्स्ट वन की, फिर हम बात करते हैं सर सेकेंड वन पर। अभी इनको सेमीकंडक्टर के बेसिस पर भी हम इनको क्या कर रहे होंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स भी डिफाइन कर रहे होंगे कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये बेसिक्स हैं। उसके बाद आता है सर इंसुलेटर, इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे सर इंसुलेटर्स में क्या होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर इंसुलेटर्स में नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स में क्या होता है बेटा, नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक तरह से आयन के साथ आप न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड होते बेटा, नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पर कंडक्ट्स नो इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करेगा बेटा, कंडक्ट्स नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है तो आप बोलेंगे इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, वेरी हाई होती है बेटा, रेजिस्टिविटी क्या होती है सर, वेरी हाई होती है। लेकिन अगर आप इसके कंडक्टिविटी की बात करोगे तो वो वेरी लो हो जाती है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इंसुलेटर्स, ठीक है, यहां पर ये आपको हेल्प नहीं करते हैं क्या करवाने में, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, यहां तक भी क्लियर है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम यहां पर आ जाते हैं सर सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसे हमें पढ़ना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ये क्या होते हैं बेटा, दीज आर समवॉट बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर्स। इनमें क्या होता है सर, ओरिजिनलिटी में देयर इज नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा यहां पर, ठीक है, नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहां पर आप क्या लिखेंगे सर, नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू जीरो केल्विन बेटा। बट ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड विथ, इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्डेड होते हैं, बॉन्डेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड, कौन से बॉन्ड से बंधे होते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, जो कि एक तरह का वीक बॉन्ड होता है जिसे हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, जिसे क्या किया जा सकता है बेटा, इजीली ब्रेक किया जा सकता है। सो एट टेम्परेचर क्या लिखो बेटा, हायर देन जीरो केल्विन, यहां पर क्या मिल जाएंगे आपको, वी विल बी हैविंग सम फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, हमें यहां पर मिल जाएंगे सर कुछ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दस ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या है बेटा, ये जो टेम्परेचर है इसे आप वेरी कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट जब यहां पर सर्किट डिवाइस जो बना रहे होते हैं तो वो कुछ इस तरह का सेटअप तैयार करते हैं कि टेम्परेचर वेरी करे, टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आप यहां पर बोलोगे सर इसकी जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी बट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर इन दोनों मटीरियल में हम बात करें, बेटा तो कंडक्टर्स के पास अगर हम आ जाएं, इंसुलेटर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, कंडक्टर्स के पास, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, आपस में टकराएंगे, जिससे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो वहां पर आपका जो है रेजिस्टिविटी बढ़ता है और कंडक्टिविटी कम हो जाता है। ये हम सब पढ़ेंगे कहां पर बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी। Is that clear? यहां तक बेसिक बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से होते हैं, इन्हें कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एनर्जी लेवल्स के बेसिस पर हम कैसे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे बेटा, हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं सर ये एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं सेमीकंडक्टर में, स्पेशली अगर आपको कंडक्शन को समझना है, अगर आपको डायोड को समझना है, अगर आपको जंक्शन को समझना है, अगर आपको समझना है कि पी और एन एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, तो वहां पर हमें एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल बेटा, है ना, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल बेटा एनर्जी लेवल के बेसिस पर। अब एनर्जी लेवल है क्या, चलिए आपको समझाते हैं बढ़िया तरीके से। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं सोडियम की तो कितना यहां पर इसके पास अटोमिक नंबर होता है बेटा, 11। सोडियम के पास कितना अटोमिक नंबर होता है सर, 11।
अब अगर हम सोडियम का यहां पर क्या करें बेटा, सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s, यहां पर हम लिखेंगे सर 2s, यहां पर हम लिखेंगे सर 3s, यहां पर हम लिखेंगे सर 4s, यहां सामने लिखेंगे सर 2p, फिर यहां सामने लिखेंगे सर 3p, फिर यहां सामने लिखेंगे सर 4p, फिर यहां सामने आ जाएगा सर आपका कहीं यहां पर 3d, यहां पर आ जाएगा 4d एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। तो आप शुरू करते हैं कहीं यहां से, आप शुरू करते कहीं यहां से, एरो इधर आएगा, फिर ये घूम कर वापस यहां आता है, फिर ये एरो यहां से घूम कर वापस इसके पास जाता है, फिर यहां आता है, फिर यहां से ये घूम कर इधर जाता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आपको कुछ समझाना चाहता हूं बेटा, एनर्जी लेवल्स को समझने के लिए, कैसे ये एनर्जी लेवल्स डिफाइंड होते हैं और कैसे ये एनर्जी लेवल्स एनर्जी बैंड्स में कन्वर्ट होते हैं बेटा, ठीक है। सो बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहां पर 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबसे पहले इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या जाएगा बेटा, 1s2 हो जाएगा, फिर यहां पर आप देखेंगे सर 2s2 हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे तो 2p6 हो जाएगा बेटा, यहां तक तो देखिए चल रहा है। अब जो s वाला है, जो s वाला है उसके पास क्या जाएगा, 1। अगर आप देखें एस वाले के पास में अगर आप इसका स्पिन बनाकर देखेंगे तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे बेटा। कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे, ठीक है, ये बात भी आप समझे। अच्छा अब अगर हम देखें तो टोटल यहां पर कितने एनर्जी लेवल्स बनेंगे बेटा, 3 एनर्जी लेवल मुझे यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी लेवल यहां पर जो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद एनर्जी लेवल 1 बेटा, ठीक है, एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल यहां पर आपको 2 बनाना है, ठीक है, फिर यहां पर आपको बनाना है सर एनर्जी लेवल 3, ठीक है। ये 3 एनर्जी लेवल मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, 3 एनर्जी लेवल हम लोगों ने बना लिए यहां पर, तो 3 एनर्जी लेवल दिखाई भी पड़ रहे हैं सभी लोगों को, राइट एवरीवन। थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा, बढ़िया है, ओके, ठीक है, ठीक है, ये है आपके लिए कहानी पूरी सोडियम की। और इसको थोड़ा सा है ना क्या करते हैं, सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसको ब्लैक कर दिया, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम रेड कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा था सोडियम, इस सोडियम के पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे केवल एस शेल में बेटा, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2s के और यहां पर 6p के बेटा, 2s के और 6 किसके हो जाएंगे सर, p के, कुल मिलाकर इसके पास कितने होंगे सर, तो यहां पर हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्टेन कंप्लीट करते हो आप, राइट एवरीवन। देखो थोड़ा केमिस्ट्री के साथ खेल रहे हैं अपन, थोड़ा केमिस्ट्री के साथ खेल रहे हैं, सारी चीजें डिटेल में समझ में आए इसलिए हम ये कहानियां कर रहे हैं। और यहां पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, यहां पर क्या आएगा बेटा, एक अकेला इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे ही करते हो ना, एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन जब भरते हो तो 2 फिर 8 फिर 10 फिर 14, राइट, लाइक दैट ओनली, बहुत बढ़िया। अब ये जो सेटअप आप देख रहे हैं बेटा, ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, सेटअप में आपको ये समझ आएगा कि ये आपके पास क्या हो गया, ओ सॉरी ये क्या हो गया, ये जो सेटअप आप देख रहे हैं सर, इसमें इसका एनर्जी लेवल क्या होगा सर, अगर इसका एनर्जी लेवल E1 है तो इसका एनर्जी लेवल क्या होगा बेटा, E2 होगा, और इसका एनर्जी लेवल क्या होगा सर, E3 होगा, एग्री करते हो कि नहीं, एनर्जी लेवल ऑफ दिस इज E1, एनर्जी लेवल ऑफ दिस इज E2 एंड एनर्जी लेवल ऑफ दिस इज E3। और आपको यह बात मालूम है कि सर ये जो है ग्राउंड स्टेट का हो गया, और इसके ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है, नेगेटिव नंबर कम होता है, राइट। सो ऑल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बेटा। ये एक सिंगल सोडियम एटम है, क्या देख रहे हो बेटा आप इसको, आप देख रहे हैं कि सर एक सिंगल सोडियम एटम हमें नजर आ रहा है। ये जो सिंगल सोडियम एटम आपको दिखाई पड़ रहा है, इस सिंगल सोडियम एटम में अब अगर हम यहां पर चलें और देखें कि भाई क्या सिचुएशन बनने वाली है, तो देखो फिर से यहां पर हम बनाते एक और सोडियम एटम बना लेते बेटा, ठीक है, एक और सोडियम एटम बना लेते हैं, एक और सोडियम एटम बनाते, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, थोड़ा सा दूर बनाते हैं और थोड़ा सा छोटा, ठीक है, थोड़ा सा दूर बनाते हैं बेटा, थोड़ा सा दूर बनाया, बढ़िया है सेटअप, ठीक है, चलो अच्छी बात है,
अच्छी बात है, ये भी हमारा डन हो गया। डायग्राम बनाते जाना बेटा साथ साथ, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो तो यहां पर भी इसके पास क्या होंगे सर, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर इसके पास कितने हो जाएंगे सर, तो यहां पर इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एस के और 6 पी के। ये ऑक्टेन आपका कंप्लीट हो गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। अभी अभी अगर आप देखोगे एज ऑफ नाउ में दीज सोडियम एटम्स आर एट वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर बेटा, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है सर, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। सो ये जो 3s है ना, ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो कि एक डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट एनर्जी लेवल के साथ है, वो और यहां का जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन है आपस में किसी तरह से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपने इन सोडियम एटम को बहुत दूर रखा हुआ है। राइट बहुत दूर है बेटा, ये कहीं इधर है तो ये कहीं इधर है। अब इनके बीच का सेपरेशन इज वेरी लार्ज, तो यहां का जो आपका इलेक्ट्रॉन है विल नॉट बी इंटरैक्ट विद द अदर सोडियम एटम, और यहां का जो इलेक्ट्रॉन है विल नॉट बी इंटरैक्ट विद द अदर सोडियम एटम बेटा, करेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा सेपरेशन है। बट नाउ थिंक ऑफ योरसेल्फ, क्या होगा यदि आप यहां पर क्या करेंगे, इनको पास पास लेकर आएंगे, अगर आप इन्हें ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे बेटा। व्हाट इफ यू ब्रिंग दिस टू सोडियम एटम टूगेदर बेटा, हम इन्हें क्या करते हैं, पास लेकर आते हैं। जब आप इन दो सोडियम एटम्स को पास लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यहां पर अगर हम बात करेंगे सर, तो इसके पास कितना है, इसके पास देयर इज अ टू स्टेट्स ऑफ एनर्जी बेटा, अलग एक इलेक्ट्रॉन के लिए वन स्टेट ऑफ एनर्जी है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड स्टेट ऑफ एनर्जी है। तो ये जो 3s है ना, दिस 3s हैज टोटल टू स्टेट्स ऑफ एनर्जी, राइट। इसके पास क्या होता है सर, टू स्टेट्स होते हैं ऑफ एनर्जी, आउट ऑफ विच वन स्टेट इज फिल्ड बेटा, आउट ऑफ विच वन स्टेट इज फिल्ड एंड वन इज एम्प्टी, ठीक है, एक भरा हुआ है एक खाली है। अब जब आप इन्हें पास में लाओगे, ठीक है, आप इन्हें क्या करोगे, पास में लाओगे, ओवरलैप करोगे बेटा, तो जब पास में लाकर ओवरलैप करोगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हैज डिफरेंट एनर्जी बेटा, ठीक है, एकदम सिमिलर एनर्जी नहीं होते। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो गैप आपको दिख रही है, जो शेल्स आपको दिख रही है, ये एग्जैक्टली ओवरलैप ना करके इन दोनों के बीच में कुछ गैप होगा बेटा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, देयर इज अ लिटिल गैप, राइट। आप पास पास लेकर आएंगे, पास पास लेकर आएंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो यू विल फाउंड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। जैसे यहां पर हमने एक बात करी किसकी सर, अगर मैं बात करूं, अगर n n n एटम्स की बात कर लेते, चलो n सोडियम एटम्स, n सोडियम एटम्स, ठीक है, ब्रिंग टूगेदर या ब्रिंग क्लोज इनफ, ब्रिंग टूगेदर या ऐसा, आपने बहुत पास पास लेकर आया, बहुत पास पास लेकर आया, तो क्या होगा सर, जो आपका 3s है ना, 3s एनर्जी लेवल जो है वो क्या बताएगा बेटा, 3s एनर्जी लेवल्स आपको बताएगा कि मेरे पास टोटल 2n स्टेट्स ऑफ एनर्जी है, आई हैव 2n स्टेट्स बेटा, आउट ऑफ विच n स्टेट्स आर फिल्ड, आउट ऑफ विच कैसे हैं सर, n स्टेट यहां पर कंप्लीटली फिल्ड होंगे और n स्टेट एम्प्टी होंगे बेटा, ठीक है, n स्टेट क्या होंगे सर, एम्प्टी होंगे, समझ रहे हो, n स्टेट यहां पर एम्प्टी है और n स्टेट भरे हुए हैं। N की बात कर रहे हो ना, N सोडियम एटम की बात कर रहे हो, एक की बात करोगे तो टू में से एक भरा है एक खाली है। अब नंबर ऑफ एटम्स अगर आपने N कर दिए तो मल्टीप्लाई बाय N कर दीजिए बस स्टेट्स में, इसलिए वो 2N बना, 2N में से N भरा हुआ है और N खाली है। और जब ये पास पास आएंगे तो यहां पर आप लोगों को एक चमत्कार दिखेगा, वो चमत्कार समझाते हैं क्या होगा बेटा, ठीक है, और वो केवल इनके साथ नहीं सबके साथ दिखेगा। यहां पर ये आपका 1s का एनर्जी लेवल हो गया बेटा, ठीक है, फिर यहां पर ये आपका 2s का एनर्जी लेवल हो गया बेटा, ठीक है, फिर यहां पर ये आपका 3s का एनर्जी लेवल हो गया बेटा, ठीक है, ये 3p हो गया, दिस इज 3p एंड द लास्ट वन इज, यहां पर आप बोलेंगे सर दिस इज द फाइनल वन एंड दिस इज आपका 4p, राइट। अब यहां पर क्या सिचुएशन है उसे समझिए, व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दिस सोडियम एटम्स क्लोज टुगेदर बेटा, ठीक है, तो ये वाला जो आपका 1s था और ये वाला जो 1s था हैविंग एट द सेम एनर्जी लेवल्स बेटा, है ना, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
किसी भी इलेक्ट्रॉन का, अलग अलग एटम्स के भी अगर सेम सेल्स में भी अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो उनके बीच में एनर्जी का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. से दो वोंट बी इन द सेम शेल बेटा. तो यहां पर क्या होंगी, नंबर ऑफ लाइंस आपको मिलेंगी और वो नंबर ऑफ लाइंस को जब आप देखेंगे तो यहां पर वो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा यहां पर बैंड. वो क्या बन जाएगा सर, बैंड बन जाएगा. जैसे यहां पर ये 1s एनर्जी बैंड हो गया, दिस इज 1s एनर्जी बैंड. एवरीवन क्या यहां तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को? फिर यहां अगर आप देखोगे तो सर जो यहां पर 2s 2p का एक शेल बन रहा है उसका एक एनर्जी बैंड हो जाएगा बेटा. तो यहां पर 1s का हुआ, 2s का हुआ, फिर यहां पर आप देखेंगे सर ये किसका हुआ, 2p का हुआ, राइट? ठीक है. अच्छा ये मैंने यहां पर क्या किया, रुको जरा एक मिनट, इसमें मुझे क्या करना था, हाँ इसमें मुझे एक लाइन बनानी है ना, तो आई हैव टू ड्रॉ वन लाइन. ठीक है, रेड कलर की बना लेते हैं. चलो ये देखो, अरे यार गड़बड़ हो रहा है, अपन ही कर लेते ऐसे हाथ से भर लेते. ठीक है ना, अब यहां पर आ गए सर हम, ये वाली इसको रेड कलर से फील करते, यहां पर आ जाइए. ठीक है, अब समझो सर ये 1s का एनर्जी लेवल है ना, 1s एनर्जी लेवल है. यानी कि आप बोलोगे कि सर 1s यहां पर फर्स्ट शेल का एनर्जी लेवल हो गया, सेकंड का एनर्जी लेवल हो गया, ये जो सेकंड शेल आपको दिखाई दे रही है, और ये जो थर्ड शेल है जो 3p था बेटा, जो कौन सा था सर आपका 3p था, सॉरी 3s जो था, तो 3s का जो एनर्जी लेवल है, जो 3s का एनर्जी लेवल है बेटा वो यहां पर क्या है, आधा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड एंड हाफ एम्प्टी बेटा. यहां पर क्या है, ये हाफ फिल्ड है. तो अगर इसके पास आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो आधे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं बेटा, और वो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं. कैसे हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहां पर कहेंगे. अब ये जो बैंड्स आपको दिख रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी बैंड्स कहते हैं. तो ये जो बैंड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नॉन एज वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर वाला जो है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं बेटा, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. Are you guys getting my point or not? Valence band और conduction band. Valence band कैसे define किया? आप चाहते देखो यहां पर ऐसे भी बना लेते सर, ये 3s का एनर्जी लेवल है, आप अलग अलग 1s का बनाते, फिर 2s का बनाते, फिर 2p का बनाते, फिर यहां पर आप बनाते बेटा 3s का, चार अलग अलग बॉक्सेस बनाते. मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने यहां पर इतने में बना लिया. तो अलग अलग लाइनें जब पास लाओगे ना, तो 1 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आपस में मर्ज करते हैं, मर्ज करते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा, बैंड बन जाता है. बैंड बनता है तो इस तरह से आपको नजर आता है. नाउ आप एक चीज देखेंगे इस डायग्राम में, आपको समझ आएगा कि ये जो लोअर एनर्जी लेवल्स है, जो लोअर एनर्जी लेवल्स हैं, जो कि थीन बनाए हुए हैं बेटा, अब इनकी थिकनेस कम क्यों है और ऊपर वाले की थिकनेस ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये वाले एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा. इस वजह से यहां पर ये क्या करेंगे बेटा, इनकी थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली आप लोगों को. ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन विल हैव द सेम एनर्जी लेवल बेटा, नियर अबाउट, गैप विल बी वेरी स्मॉल. लेकिन अगर आप ऊपर वाले शेल्स की बात करेंगे, जितना आप हायर ऑर्डर में जाएंगे आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाई बेटा, इसलिए यहां पर गैप आपको ज्यादा मिलता है, तो बैंड की विड्थ आपकी ज्यादा होगी. हर एक बात समझ में आ रहा है? एवरीवन अंडरस्टूड एनर्जी बैंड्स की बात, यहां पर सारी चीजें समझ में आ रही है. अभी इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? अभी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है बेटा. अभी इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है. अगर मान लीजिए मैं चार इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं बेटा, चार, मतलब कि मैंने किसके लिए बनाया हुआ है, ये दो सोडियम एटम के लिए बनाया. एक सोडियम एटम के पास क्या है बेटा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे के पास एक, फिर तीन, फिर चार, तो चार, सॉरी दो नहीं चार के लिए मैंने किसके लिए बनाया, यहां पर डायग्राम आप देखोगे तो चार सोडियम एटम को हमने मर्ज किया, तो यहां पर आपको इस तरह से दिखेंगे. अगर चार सोडियम एटम को आपने मर्ज किया एंड सपोज अगर ये 3p के जस्ट नीचे कौन सा था बेटा, है ना, यहां पर 3s के नीचे 6 था, और चार की बात करें तो यहां पर 24 कितना आने चाहिए बेटा, ऐसे यहां पर 24 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ऐसे 24 इलेक्ट्रॉन्स आप बनाएंगे और वो पूरा ऑक्टेन कंप्लीट कर रहे हैं. फिर उसके जस्ट पहले क्या था, 2s था, चार था, तो यहां पर 8 बनेंगे बेटा, 4 5 6 7 8 देखो कंप्लीट हो गए. यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर केवल चार इलेक्ट्रॉन है. अब ये चार इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाले हैं, यही पूरा सेमीकंडक्टर जो है बयां करेंगे, इन्हीं पर सब कुछ टिका हुआ है.
क्लियर है एवरीवन? यहां तक थम्स अप करके बताइए कि यस भैया हर एक बात समझ में आ गई। हाउ द एनर्जी बैंड्स आर फॉर्मिंग, क्या ये समझ में आया सभी लोगों को? हाउ द एनर्जी बैंड्स आर फॉर्मिंग, क्या ये समझ में आया? अब यहां पर आप देखेंगे तो बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स वी हैव अ गैप, और उस गैप को हम बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हम ईजी के नाम से जानते हैं बेटा। क्या कहते हैं? टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप बेटा, फोरबिडन एनर्जी गैप, राइट? ठीक है, सेमीकंडक्टर में डायग्राम्स देखो, एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है? इंस्टा स्टोरी का खेल हो गया आज के लिए, नहीं? कितने सुंदर सुंदर डायग्राम है, फटाफट क्लिक क्लिक कर लेना, ठीक है? हाँ जी, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। 424 इलेक्ट्रॉन्स क्या? अरे बेटा 24 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि मैंने यहां पर क्या बनाया, चार बनाए। अगर मैं एक सोडियम एटम की बात करूं जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां पर चार बनाए, दैट मींस मैंने चार सोडियम एटम को ओवरलैप किया होगा। और अगर चार सोडियम एटम को ओवरलैप किया तो ये जो 2p है, एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो चार के पास 24 होंगे, इसलिए यहां पर 24 लिखा है। लेकिन ये क्या है, दे आर मेकिंग द परफेक्ट ऑक्टेन बेटा, और ये एक दूसरे के साथ परफेक्ट बॉन्ड बनाकर कंप्लीट अपना सेटअप किया हुआ है। ये कहीं पर भी जाने वाले नहीं है, जो कुछ भी होगा इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हमने एनर्जी गैप्स को ढंग से समझ लिया। अब बात करते हैं बेटा यहां पर कंडक्टर की। अब हम बात करते हैं सर कंडक्टर की, तो कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में होते हैं बेटा दो तरह के बैंड्स आपके पास। कंडक्टर में होते हैं यहां पर आपके पास दो तरह के बैंड्स, किसी भी कंडक्टर की बात करोगे तो यहां पर हो गया आपके पास एक कैसा, एक बैंड ये, और दूसरा बैंड आपको यहां पर ऐसा, ठीक है? परफेक्ट ओवरलैपिंग होता है, तो ये ओवरलैपिंग देख पाए आप, इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है? तो यहां आपको समझ आना चाहिए बेटा, ठीक है, क्या सिचुएशन है। एक को हम बना देंगे ब्लैक, एक को हम बना देंगे रेड, ठीक है? चलिए, तो यहां पर हमने इसको बनाया ब्लैक, और इसके ऊपर वाले को, इसके ऊपर वाले को हम बना देते हैं बेटा रेड, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम बना देते हैं ब्लू। तो आप देखेंगे सर कि ये वाला जो है ये कैसा है सर, दिस इज योर वैलेंस बैंड बेटा। ये कैसा बैंड है, ये आपका यहां पर वैलेंस बैंड है। जिंक का एग्जांपल आप लेंगे तो आप समझ जाएंगे बेटा, ये वैलेंस बैंड है, और ये आपका क्या है सर, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं बेटा इसको, कंडक्शन बैंड कहते हैं। सो दिस इज योर कंडक्शन बैंड, और यहां पर आप देखेंगे सर तो ये हो गया आपका ओवरलैपिंग जोन बेटा। ये यहां पर क्या हो रहा है सर, ओवरलैप कर रहे हैं परफेक्ट तरीके से, यानी कि विद अ वेरी वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होंगे बेटा, ठीक है? एग्जांपल आप लेकर देख सकते हैं किसका सर, जिंक का। जिंक के केस में आप यहां पर पाएंगे सर कॉन्फिगरेशन कितना होता है सर, 30 होता है। तो यहां पर सारे के सारे क्या होते हैं सर, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। सारे के सारे यहां पर क्या हो जाते हैं बेटा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। आप कॉन्फिगरेशन बनाकर देख सकते हैं 1s1, 1s2, 2p6, 3s2, फिर यहां पर 3d10 हो जाता है, ठीक है? 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 होगा, कितने हो गए 10 और 2 12, उसके बाद में यहां पर आपका 3p क्या होगा वापस से, 3p6, और 3p6 के बाद में 4s2 एंड 3d10, हाँ ये हो जाएगा सर आपका 4s2 एंड दिस इज योर 3d10। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, तो आपको इस तरह का सेटअप मिल जाता है जिंक के केस में। वहां इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बेटा। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है सर कि जो फोरबिडन एनर्जी गैप है बेटा, फोरबिडन एनर्जी गैप इज ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। कंडक्शन बैंड एंड यहां पर वैलेंस बैंड आर परफेक्टली ओवरलैपिंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर बेटा, ठीक है? चलिए, हाँ अब मेरे को याद थोड़ी ना रहते यार भाई, मैं तो फिजिक्स का मास्टर हूं, केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ाता हूं। हाँ? नहीं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, सेमीकंडक्टर में जो बैंड्स होते हैं उनको समझते हैं सर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहां पर आपके पास वैलेंस बैंड है, यहां पर आपके पास क्या है सर, वैलेंस बैंड है, और इसके ऊपर आपके पास क्या होता है बेटा, इसके ऊपर आपके पास कंडक्शन बैंड होता है, इसके ऊपर आपके पास एक कंडक्शन बैंड होता है। अब यहां पर वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड कैसा होता है, पार्शियली फिल्ड होता है बेटा। वैलेंस बैंड कैसा होता है सर, वैलेंस बैंड आपके पास पार्शियली फिल्ड होता है, वैलेंस बैंड आपका पार्शियली फिल्ड होता है। अभी फिल भी करेंगे, सारी चीजें समझेंगे। तो यहां
पर आपने लिखा कि सर जो ये ब्लैक वाला है, अगर आप यहाँ पर ब्लैक फिल करेंगे, इसको ब्लैक फिल करेंगे तो ये यहाँ पर फिल्ड अप है बेटा, और इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें ये खाली है बेटा, तो कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। यहाँ पर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं बट वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जो गैप होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी, ये क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर ईजी होता है बेटा वेरी लेस। ईजी कैसा होता है सर, वेरी लेस, नॉट मच हाई बेटा, ठीक है। तो ये जो ईजी होता है ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, जर्मेनियम के अलग होगा, सिलिकॉन के लिए अलग होगा, लेकिन आप मान के चले कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही एनर्जी होता है। तो बड़ा आसानी से, बड़ी आसानी से, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि एट टेम्परेचर हम क्या करते थे सर, एट टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन यहां पर क्या करेगा सर, कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन होगा। अब कंडक्शन कैसे हो रहा था उसको समझिए, कंडक्शन ऐसे हो रहा था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यू पीपल आर गिविंग एनर्जी बेटा, और वो एनर्जी और कुछ नहीं, यहां पर E इज इक्वल टू KT है। अब अगर E इज इक्वल टू KT मोर देन फॉरबिडन एनर्जी गैप हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड होंगे एंड दे विल जंप टू कहां पर, कंडक्शन बैंड में, दे विल जंप टू कंडक्शन बैंड बेटा, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाते हैं, लिविंग बिहाइंड क्या, तो यहां पर आपको पता चलेगा सर, लिविंग बिहाइंड होल्स बेटा। अब देखो दिख रहा है आप लोगों को व्हाइट कलर में, थोड़ा सा व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, तो यहां पर व्हाइट कलर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या हो गए बेटा, ये आपके होल्स हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया, ऊपर पहुंच गया कंडक्शन बैंड में, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी रेडी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उन्होंने पीछे क्या छोड़ दिया बेटा, होल छोड़ दिया है, ये सेमीकंडक्टर में होता है। अगर आप बात करेंगे इसी के साथ साथ किसके लिए बेटा, अगर आप बात करेंगे इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है सर, यहां पर वैलेंस बैंड होता है, यहां पर आपका कंडक्शन बैंड होता है, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होती है ना भाई, वो गैप बहुत 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 ज्यादा होती है, द गैप इज ह्यूज, ठीक है। ये जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये लगभग 6 to 7 यहां पर क्या हो जाता है सर, एनर्जी गैप इज वेरी वेरी हाई बेटा, एनर्जी गैप इज वेरी वेरी हाई, तो बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से यहां पर यू नीड अ लॉट ऑफ थर्मल एनर्जी टू मेक अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज हियर, यहां पर इसमें जो यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके पास है वैलेंस बैंड में, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांजिशन करना है तो यू नीड अ लॉट ऑफ थर्मल एनर्जी टू सप्लाई बेटा, ऑलमोस्ट आप मान के चलेंगे सर एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 1400 केल्विन ये कहानी होगी, एंड दिस इज अ ह्यूज 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 टेम्परेचर बेटा, उतने में तो आपका ये मटेरियल मेल्ट ही कर जाएगा, इसलिए जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इंसुलेटर्स क्या नहीं करते बेटा, कंडक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, क्लियर है, अंडरस्टूड बेटा, बढ़िया है। अब होल्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी अभी आपको एनर्जी बैंड के बेसिस पर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर समझ में आए कि नहीं, एक बार दिल बना दो, डायग्राम्स देखो कितनी खूबसूरती है, ब्यूटीफुलनेस देखो, और उसके बाद बताइए जरा मुझे जल्दी से, ठीक है। एवरीवन, होल्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड व्हाट बेटा, बिहाइंड द कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, इसीलिए वो क्या नहीं करते हैं, तो टेम्परेचर 0 केल्विन पर कंडक्ट नहीं करते हैं, बट उसके ऊपर वो कंडक्ट करना शुरू कर देते बेटा, राइट। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, और अगर यहां तक समझ में आ गया तो टाइम फॉर द न्यूमेरिकल्स। कंडक्शन बैंड कहां से आया, गुड क्वेश्चन बेटा, अगर आप बात करेंगे चलिए सोडियम एटम में वापस लेकर चलते हैं, सोडियम एटम आपने यहां पर बनाया, व्हाट डू यू थिंक कि यहां पर बस यही सोडियम एटम में ऊपर के एनर्जी लेवल्स नहीं है क्या, सोडियम एटम में ऊपर के एनर्जी लेवल्स नहीं है क्या, ऑब्वियस बात है बेटा, यहां पर एक और एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, वन मोर एनर्जी लेवल इज देयर, बट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3s के बाद क्या आएगा, 3s के बाद आप देखोगे सर 3p आएगा, लेकिन 3p में क्या है, कुछ नहीं, जीरो, तो यहां पर नो इलेक्ट्रॉन बेटा, और अगर इसके पास नो इलेक्ट्रॉन है मतलब कि ये वाला जो लेवल जब मर्ज करेगा तो ये एम्प्टी रहेगा, और इसी को कंडक्शन बैंड कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, दैट इज व्हाई इसका नाम कंडक्शन बैंड होता है बेटा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसका नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एंड द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड का टॉप एंड कंडक्शन बैंड का बॉटम इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप,
राइट right. तो समझ आया कि वाई दिस कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने रोका है। कहां पर? तो आपने रोक दिया यहां पर 3s पर। आगे आप बना दीजिए ना 3p भी बना दीजिए। जब आप 3p बनाएंगे तो आपको पता चलेगा यार इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा है, तो यहां पर भी 3p बनेगा बेटा, यहां पर भी आपका 3p बनेगा। और जब यहां पर भी 3p बनेगा तो फिर आप देखेंगे कि सर जब ये दोनों जब 3p मिलेंगे तो ये खाली बैंड बनेगा, और इसी खाली बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, बहुत बढ़िया डायग्राम्स बनाकर सारी क्लैरिटी के साथ चल रहे बेटा अपन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे सवाल नहीं बनेंगे बेटा, ठीक है, मतलब सॉरी जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे कॉन्सेप्ट इन डेप्थ क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, आ जाइए जरा यहां पर। चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बेटा। इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप। ठीक है, कंडक्टर में तो ओवरलैप करते हैं, अपने को फॉल्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा? फॉल्स ढूंढना है। ठीक है, सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर इंसुलेटर्स। ठीक है, मैंने कहा था ना बहुत हाई होता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इंसुलेटर, सही बोल रहा है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। बेटा क्या बोल रहा है? रेजिस्टिविटी किसका? सेमी कंडक्टर का इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम बोलेंगे यार यही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सेमी कंडक्टर मटीरियल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होती है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स केटी वाली थर्मल एनर्जी को एक्वायर करके और जंप मारते हैं वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में, और फिर वहां जाकर कंडक्शन करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा बेटा। राइट, क्लियर है सभी लोगों को? 2005 का सवाल था। अगला सवाल, कार्बन सिलिकन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा। ठीक है, काशी गए संत प्रभु, इस तरह से करते हो ना आप, ऐसे करते हो शायद, काशी गए है ना संत प्रभु। ठीक है, क्या हो जाता है? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंटीमोनी और लेड बेटा। ठीक है, यहां पर सबके पास कितने कार्बन फैमिली है? तो सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सबके पास क्या होंगे बेटा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एटम हैज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। देयर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप रेस्पेक्टिवली बेटा, ईजीसी ईजीएसआई और ईजी यहां पर जीई रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू इन देयर केसेस बेटा, कौन सा इसमें से सही होगा? अब देखो दो बातें हैं, यहां से एक और सवाल बनेगा, वो भी मैंने यहां पर लिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है बेटा वो भी। क्या होता है सर? ईजीसी सी जो है वो कार्बन है, और यहां पर सीआई मतलब सिलिकॉन है बेटा। तो करेक्ट आंसर होगा कि इसका जो एनर्जी गैप है कार्बन के केस में विल बी वेरी ह्यूज एज कंपेयर टू इन केस ऑफ सिलिकॉन बेटा, क्योंकि कार्बन को इंसुलेटर लिया जाता है, सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर की ट्रेड करते हैं, है ना। कार्बन क्या है बेटा? कार्बन क्या है? कार्बन एक इंसुलेटर है, सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब आप बोलोगे यार एक बात बताओ भाई साहब, अब आप बताओ एक बात भाई साहब, ठीक है रुकना है जरा, सवाल आगे आएगा बट मैं यही करा देता हूं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ सर कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम संख्या देखें तो 4 है सर, और अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सर? 4 है। तो भाई आप मुझे यह समझा दीजिए कि इसको आपने बोला इंसुलेटर, इसको आपने बोला इंसुलेटर, और इसको आपने बोला सेमीकंडक्टर, ऐसा काहे? जब दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो फिर मटेरियल तो सेम होना चाहिए था, मटेरियल तो सेम होना चाहिए था। राइट, व्हाई दिस इज सो? सवाल सही है आपका, है ना, मतलब आपने आंसर सही दिया कि सर ईजीसी बैंड गैप जो है कार्बन का ज्यादा होगा सिलिकॉन के कंपैरिजन में, बट मुझे यह बता दीजिए कि व्हाई वी आर सेइंग कार्बन इंसुलेटर है और आपका सिलिकॉन जो है क्या होगा बेटा? सिलिकॉन आपका हो जाएगा यहां पर सेमीकंडक्टर। इसका जवाब यहां पर बढ़िया से छुपा हुआ। देखो कार्बन की अगर हम बात करें इसके पास C6 होगा बेटा, कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन होता है C6-12 बेटा। ठीक है, 6C12 होता है, यानी कि 6 यहां पर इसके पास क्या दिख रहे हैं सर? एटॉमिक नंबर दिख रहे हैं, जो कि चले जाएंगे 1s2 में, चले जाएंगे सर 2s2 में, और चले जाएंगे सर यहां पर 2p4 में। ठीक है, 2p4 में देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। सिलिकॉन की अगर आप बात करेंगे, सिलिकॉन के पास कितना होता है सर? 14, है ना, 14 ही होता है ना, सिलिकॉन के पास 14 ही होता है। राइट,
सिलिकॉन के पास अगर 14 होता है तो 14 की जब आप बात करेंगे सर 1s2 हो गया, सर 2s2 हो गया, सर ये 2p6 हो जाएगा, सर ये 3s2 हो गया, सर यहां पर जब आप बात करोगे तो ये हो गया 12 और यहां पर जो है कुछ गड़बड़ किया क्या? सिलिकॉन के पास 14 सही होता है ना, सिलिकॉन के पास 14 ही होंगे ना, क्या बोलते हो? एक मिनट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। हाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ना, आई गॉट दिस गड़बड़ यहाँ पर। हाँ सही बोल रहे हो, 2, 2, 4 और 2, 6 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सर, यहाँ पर आपका 3p2 आएगा। अच्छा समझ गया, मैं वही बोलूँ कि यार इसके पास यहाँ पर, इसके पास 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ रहा था, तो मैं इसलिए रुक गया था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? नहीं, तो अपन इसलिए रुक गए थे कि केमिस्ट्री का काम है ना बेटा, आपसे पूछ पूछ के कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। नहीं केमिस्ट्री की ज़रूरत अगर पड़ेगी वैसे है ना, इतना भी वो नहीं है कि चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन हाँ ठीक है, हंसी मजाक का एक हिस्सा बना लेते हैं, पार्ट बना लेते हैं। तो कार्बन यहां पर 6 बेटा, 1s2 2s2 2p6, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां पर? तो आप बोलोगे सर इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहां पर 4 बेटा, ठीक है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके पास अगर आप देखोगे तो यहां पर 14 है और 14 में से यहां पर भी 6 में से केवल 2 ही अपना जो है घर भर पाए हैं, यहां पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट आप अगर इसके कॉन्फिगरेशन में देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि सर यहां पर ये 1 और 2 बस दो ही ऑर्बिट तक जा रहा है, ये 1, 2 और ये 3 ऑर्बिट तक जा रहा है बेटा। तो इसके जो कार्बन के ऑर्बिट्स है ना, कार्बन के जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट ऑफ द कार्बन क्या करेंगे बेटा, ऑर्बिट ऑफ कार्बन यहां पर क्या है, ऑर्बिट ऑफ कार्बन जो है वो क्या है बेटा, क्लोज टू न्यूक्लियस है। क्लोज टू कहां पर होते हैं सर, न्यूक्लियस है, और अगर न्यूक्लियस के बहुत पास है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और वो इजीली कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। और यहां सिलिकॉन के केस में अगर आप देखोगे तो ये थोड़े से क्या हो जाते हैं बेटा, कंपैरेटिवली दूर हो जाते हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो इजिली क्या कर जाएंगे बेटा, ट्रांसफर हो सकते हैं। ये हाईली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या है सर, तो आप लिखेंगे सर ये आपके हाईली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाईली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये वाले कैसे सर आपके, तो आप इन्हें कहोगे सर ये हमारे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज द रीजन, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, कि कार्बन और सिलिकॉन में से कार्बन इंसुलेटर है, सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है, उसका रीजन क्या है, दिस इज द रीजन बेटा। इसके ऑर्बिट का साइज छोटा होता है, सिलिकॉन के ऑर्बिट का साइज बड़ा होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हाईली बॉन्डेड होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए वो क्या नहीं करेगा, वहां पर जंप नहीं कर पाता है। दिस इज द रीजन बेटा, राइट? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बेटा, बढ़िया बात है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नाउ इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, इन सेमीकंडक्टर किसकी बात करें सर, सेमीकंडक्टर कहां पर बात करें सर, एट रूम टेम्परेचर, द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड बेटा, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड बेटा, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। बताइए क्या यहां पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जल्दी सोचिए, सोचिए जरा। हाँ अरे कहाँ ब्लर दिख रहा है यार, अपना वो इंक्रीज करो ना, अच्छा अच्छा डी ए बी सी, यार भाई वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, आधा भरा होता आधा खाली होता, एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड बेटा एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस हो गया यानी कि कैल्विन में अगर आप बात करोगे तो 273 प्लस जब आप इसमें 25 करोगे बेटा तो ये कितना वैल्यू हो गया दोस्त मेरे, ये यहां पर क्या हो गया, मोर देन जीरो कैल्विन हो गया ना, और मोर देन जीरो कैल्विन हो गया तो कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड जो कि एम्प्टी हुआ
करता था, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा, यहां से जंप कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या करेंगे बेटा, जंप करके यहां पहुंच जाएंगे, लिविंग बिहाइंड होल्स बेटा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। अगर ये जीरो केल्विन की बात करता, अगर ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करता, सुनो, अगर ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करता तो हम लिखते कि यहां पर वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होता और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता। तो कोई भी ऑप्शन यहां पर ऐसा इसने लिखा ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो वैलेंस बैंड कैसा होगा सर, पार्शियली एम्प्टी होगा एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड बेटा। कंप्लीटली फिल्ड तो वैलेंस बैंड कभी होता ही नहीं है, ठीक है। फिर वैलेंस बैंड किस बात का, अंडरस्टूड एवरीवन? तो क्या गलती कर रहे थे, समझ आया? क्या गलती कर रहे थे, समझ में आया बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं सर सेमीकंडक्टर्स की, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपने समझ लिया कि सर सेमीकंडक्टर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, किस तरह से वहां पर जो है आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर में होल है क्या और किस तरह से कंडक्शन हो रहा है, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू पीपल। बट अभी यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आ जाइए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर बेटा। क्या कहे जाते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से भी कहे जाते हैं। दो तरह के सेमीकंडक्टर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। या तो हम सिलिकॉन की बात कर रहे होते हैं या फिर हम जर्मेनियम की बात कर, एक्सटेंसिवली यूज यही होते हैं बेटा। आर्सेनिक और लेड को मिक्स करके भी कई बार अच्छे से सेमीकंडक्टर बनाए जाते, कंपोजिट सेमीकंडक्टर्स, लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे बेटा। तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, ठीक है, बढ़िया बात है। अगर आप यहां पर देखेंगे सर सिलिकॉन की बात करते हैं सर, तो सिलिकॉन का अगर एक एटम यहां पर है तो सिलिकॉन का दूसरा एटम यहां पर होगा नियर बाय, तीसरा एटम यहां पर होगा ऊपर की तरफ, चौथा, क्रिस्टल पूरा बनाते हैं ना, है ना, टेट्राहेड्रल क्रिस्टलाइन होता है बेटा, यहां पर टेट्राहेड्रल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो अपन वैसा स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे जो ट्रेपेजियम टेट्राहेड्रल बनता है, बट यहां पर कुछ बढ़िया सी रंगोली टाइप बन के दिखेगा आपको। अच्छा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी चार है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी चार है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी क्या है सर, चार है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कितने सर, चार है। यहां पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, चार है। और सारे के सारे एटम्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने बेटा, चार है। आपको यह बता दिया गया है, इसका अलग से कॉन्फ़िगरेशन लिखकर समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा, राइट, क्लियर है। मैं सारी चीजें ना लिख लिख कर इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसमें अगर सब कुछ पहले से लिखा होगा तो इट सीम्स बोरिंग, लेकिन अभी आप क्या है साथ साथ नोट्स बनाओगे ना तो आज ही पक्का हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, इसको अलग से फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है सर, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बहुत सारे सिलिकॉन एटम को आप पास पास लेके आ गए ना, तो यहां पर ये क्या करेंगे सर, दे आर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड लाइक दिस। जो यहां पर आपका कंटिन्यूटी हम दिखा देते हैं कि भाई आगे भी तो आपके सेमीकंडक्टर एटम्स होंगे, तो हमने यहां पर कंटिन्यूटी दिखा दी लाइक दिस, और ये आपको इस तरह से सेटअप दिख रहा होगा, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस रियली वेल, क्लियर क्लियर कि नॉट क्लियर? बहुत सुंदर कितना सुंदर डायग्राम बना है ना, पहला है ना, इसलिए समझा दिया। अच्छा, अभी आप यहां पर देखो जरा, अभी आप यहां पर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, सो दे विल नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी बेटा एज ऑफ नाउ। टी इज इक्वल टू जीरो अगर केल्विन टेम्परेचर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड को ब्रेक नहीं करने वाले, बिकॉज दे नीड सम एनर्जी बेटा। जब एनर्जी मिलेगी, सिलिकॉन के केस में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का एनर्जी मिलेगा नहीं तो वो बॉन्ड ब्रेक करेगा नहीं, और अगर बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होगा। तो अब क्या होता है सर, अभी का सेटअप आपने ऐसा देखा, नाउ यहां पर एट टी इज इक्वल्स टू जीरो केल्विन यहां पर लिखेंगे सर ऑल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड, ठीक है, बॉन्डेड हैं विथ कौन से बॉन्ड के साथ बेटा, विथ कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको मालूम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। चलिए अब यहां पर क्या किया सर, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मोर देन जीरो केल्विन किया, क्या होगा सर, वन इलेक्ट्रॉन विल क्या करेगा बेटा, जंप। अब ये यहां पर आपने साथ ही साथ ये वाला बैंड डायग्राम भी बनाते चलते ताकि आपको क्या है क्लैरिटी रहेगी कि सर कैसे चीजें बन रही हैं और किस तरह से ये जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि सर अगर इलेक्ट्रॉन थे चार इस तरह से, इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप करके मान लीजिए ऊपर पहुंच गया, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच गया बेटा, ऊपर पहुंच गया, लिविंग बिहाइंड यहां पर होल, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का मैंने होल बना दिया बेटा,
ब्लैक कलर का क्या है सर, होल है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेगा सर, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जब आपका निकल जाएगा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ब्रोकन बैंड यहां पर, ये देखो आपका बॉन्ड क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये ऐसा दिखा देते हैं अपन इसको, थोड़ा सा बैंड ब्रेक टाइप, ठीक है, ये ब्रेक टाइप दिखा देते हैं अपन इसको। ये देखो बॉन्ड आपका टूट गया, ये बॉन्ड क्या हो गया बेटा, ये बॉन्ड आपका टूट गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये सोचेगा अरे यार ये घर खाली हो गया, तो यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करेगा। जब यहां इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा तो यहां पर होल आएगा, फिर इस होल को फ्यूज करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, फिर यहां के लिए ये वाला, और ऐसे कहानी पूरे पूरे कंडक्टर मटेरियल में चलती रहेगी बेटा। ऐसी कहानी पूरे मटेरियल में क्या होती है सर, चलती रहेगी। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों हो रहे हैं। Are you guys getting my point or not? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया आफ्टर गेनिंग द एनर्जी, और वह एक्साइट होकर वैलेंस बैंड से कहां चला गया बेटा, कंडक्शन बैंड में चला गया, बिकॉज जो सप्लाई एनर्जी थी वो मोर देन फॉरबिडन एनर्जी गैप थी, तो वो एक्साइटेड होकर ऊपर चला गया। अब जब वो एक्साइटेड होकर ऊपर चला गया तो उसने पीछे एक घर खाली कर दिया, उसको फील करने के लिए यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो यहां तो बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा लेकिन पीछे होल रह जाएगा, फिर इस होल को डिफ्यूज करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। और आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एक ही एटम का एक ही बॉन्ड टूटेगा, ऐसा थोड़ी है, मल्टीपल एटम्स के मल्टीपल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे बेटा, पेयर फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है सर, पेयर फॉर्मेशन हो रहा है, पेयर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बेटा, पेयर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। आप समझते सर होल्स क्या है, होल्स क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं सर। होल्स यहां पर क्या है सर, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। होल्स यहां पर कैसे होते हैं सर, होल्स आर नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। और ये कैसा है सर, हाइपोथेटिकल चार्ज, ये कैसा चार्ज है बेटा, हाइपोथेटिकल चार्ज है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं सर कि एक तरह का हाइपोथेटिकल चार्ज है, क्योंकि चार्ज ऑलवेज क्या करता है बेटा, एग्जिस्ट करता है विथ द मैटर बेटा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ द मैटर। लेकिन यहां तो आपका जो होल है वो क्या है, एक तरह की वैकेंसी है। होल क्या है बेटा, एक तरह की वैकेंसी है, खाली जगह है, खाली जगह है तो मासलेस है, और अगर मासलेस है तो फिर यहां पर चार्ज को हमें हाइपोथेटिकल कहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम कंजर्वेशन को वैलिड रखना चाहते हैं, तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन गया है तो पीछे उसको प्लस ई चार्ज छोड़ना होगा, तो यह पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसके पास चार्ज की वैल्यू प्लस ई होती है। तो यहां पर जो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिंग एंटिटीज हैं वो है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बेटा। कौन कौन है सर, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, समझ आ रहा है सभी लोगों को। सिलिकॉन का बनाया, सिमिलरली आप जर्मेनियम का बना सकते थे। नाउ अब इलेक्ट्रॉन तो कंडक्ट करेंगे लेकिन होल कैसे कंडक्ट कर रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर कंडक्शन किसकी बात करेंगे बेटा, कंडक्शन की चर्चा करते हैं सर। कंडक्शन इन किसमें, सेमीकंडक्टर, कैसे कंडक्ट हो गई इलेक्ट्रिसिटी बेटा। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके ऊपर गए तो वो तो समझ में आ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो करंट है। लेकिन अगर हम बात करें क्या होल्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे करंट में बेटा, राइट, तो यहां पर जवाब है यस, होल्स विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंडक्शन। सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों यहां पर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर, बढ़िया है। अच्छा एक चीज यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप देख रहे हैं तो इसमें एक बात हम लिखेंगे कि सर अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेंगे, धुन सुनना ध्यान से, अगर वैलेंस बैंड से अगर 10 इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में गए तो वैलेंस बैंड में 10 होल्स बन जाएंगे बेटा, राइट। अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन ने जब जंप किया है तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, 10 होल पीछे बन जाएंगे। यानी कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स विल बी सिमिलर इन केस ऑफ किसमें बेटा, सेमीकंडक्टर मटेरियल। और यही आपका यहां पर क्या होता है बेटा, Ni के बराबर होता है। Ni इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर की संख्या को बताता है। सो Ni इज इक्वल टू Ne इज इक्वल टू Na बेटा। नाउ हम बात करते हैं सर कंडक्शन की, जब इसकी जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे बेटा कंडक्शन की। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, समझ में आता है। क्वेश्चन ये है हाउ
होल कॉन्ट्रीब्यूट, हाउ होल कॉन्ट्रीब्यूट इन कंडक्शन बेटा, हाउ होल कॉन्ट्रीब्यूट इन कंडक्शन, वो कंडक्शन में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये न्यूमेरिकल, ये सवाल हमारे सामने निकल कर आया बेटा। क्या कोई जानता है? तो चलिए, अच्छा कितने लोग मॉल वॉल में गए हैं गाड़ी पार्क करने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू वेंट टू द मॉल टू पार्क द गाड़ी? अरे कार वार पार्किंग वार्किंग में लगाते हो नहीं लगाते हो? एवरीवन, एक बेहतरीन आज आप लोगों को क्या मिलेगी? इनसाइट मिलेगी। ठीक है, चलिए भाई गाड़ियां पार्क करने का सिलसिला करते हैं जारी, फिर आपको होल का कंडक्शन समझ आ जाएगा। अरे भाई जल्दी बताओ, बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाउ, वही मैं समझाता हूँ बेटा। ठीक है, ट्रेजर आइलैंड, हाँ दीपक शर्मा यू आर फ्रॉम इंदौर राइट? हाँ जी, हाँ सर, आयुष राज कह रहे सर कार नहीं, कोई बात नहीं भाई, डॉक्टर बन के खरीदना है यही तो जो है अल्टीमेट एम रखना है। देखो क्या होता है, गाड़ी खरीदने को मर्सिडीज खरीदी जा सकती है, BMW खरीदी जा सकती है, सर सारी चीज़ें राइट, अगर उतना पैसा तुम्हारे पास एक्सेस है, सारी बेहतरीन चीज़ें करने के बाद अगर उतना पैसा तुम्हारे पास एक्सेस है तो खरीद लो, लेकिन केवल वो खरीदने के लिए ही उतना पैसा लगा दिया जाए ये ज़रूरी नहीं है बेटा। ठीक है यार, सीधी सी बात है, और अपने आप को गरीब कभी नहीं कहना, अपने आप को गरीब कभी नहीं कहना बेटा। अब यहाँ आ जाओ जरा जल्दी से, क्या होता है सर, हम गाड़ी पार्क करने गए लेकिन हमारे जब गाड़ी पार्क करने का मौका आया, ठीक है, ये हमारी गाड़ी है ठीक है, और इसे हम इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, हम क्या कह देते हैं बेटा, हम इसे गाड़ी कह रहे हैं और ये हमारी गाड़ी है और ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन, ये हमारी गाड़ी रेड कलर की, ठीक है, बढ़िया चमचमाती रेड कार। और अगर आपको पार्किंग करना है तो अभी क्या है बेटा, पार्किंग लॉट में ना और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है, पार्किंग लॉट में इसके आगे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अब जब तक ये गाड़ियाँ निकलेंगी नहीं आप पार्किंग कर नहीं पाएंगे बेटा, यहां पर बहुत सारी पार्किंग लॉट में गाड़ियां लगी हुई हैं। ठीक है, तो क्या होगा सुनिएगा ध्यान से, अब आपकी गाड़ी यहां पर है, आपको पार्क करनी है, तो पार्क जब करने के लिए आप देखेंगे तो ये वाली गाड़ी, अगर ये वाली गाड़ी यहां से हट जाए बेटा, सुनिएगा, ये वाली गाड़ी यहां से, ये पिक्चर देख के आ गए, तो ड्राइवर आया बेटा, इसने गाड़ी निकाली और वो निकल लिया, यहां से ये गाड़ी को निकाला और इस तरफ निकल लिया, जब ये निकल लिया तो पता क्या चला बेटा, पता ये चला कि जो आपके पीछे वाली गाड़ी है वो यहां आ गई। अब पीछे वाली गाड़ी यहां आ गई तो देखो ये वाली गाड़ी यहां पर थी, है ना, ये वाली गाड़ी यहां पर थी और तुम्हारी गाड़ी यहां पर है। अब बताओ यहां पर क्या बन गई बेटा, यहां पर बन गई वैकेंसी, यहां पर क्या बन गई बेटा, वैकेंसी बन गया होल। अच्छा, अब ये वाली गाड़ी अगर आगे आ गई तो होगा क्या, होगा ये कि सर इसके पिछू वाली गाड़ी खिसक के यहां आ जाएगी, उसको आगे आना पड़ेगा और तुम्हारी गाड़ी यहां पर खड़ी है, तो अब आप बोलोगे कि सर हमारी गाड़ी यहां पर है, वैकेंसी यहां पर आ गई, समझ रहे हो? फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली आप भी अपनी गाड़ी को क्या करोगे, यहां पर पार्क कर दोगे। तो आपने ये देखा कि सर जब गाड़ियां आगे बढ़ रही है तो वैकेंसी पीछे जा रही है राइट, और वैकेंसी मतलब क्या हो गया होल हो गया, और कारें मतलब क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स हो गई। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है तो आपका जो होल है, जो एच है बेटा, वो कहां जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और होल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से करंट बनेगा जिसको हम आई एच कहेंगे, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से करंट बनेगा जिसको हम आई ई कहेंगे। और हम जानते हैं सर कि होल्स अगर पॉजिटिव है तो करंट होल्स की डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव है तो करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन करंट यहां पर दोनों डायरेक्शन सेम बता रहा है, चाहे वो होल्स की वजह से हो, चाहे वो आपके किसकी वजह से हो, है ना, खूनी नजरिया भैया ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इलेक्ट्रॉन इधर है और उससे करंट इधर तरफ जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, होल्स यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है, इधर आ रहा है तो इसका करंट भी इधर आ रहा है, तो यहां पर टोटल करंट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप लिखेंगे सर IE+IH होगा। दिस इज हाउ यू पीपल आर गेटिंग द करंट बेटा, समझ आ रहा है कि कैसे कंडक्शन हो रहा है बेटा। अब यहां पर जो I का वैल्यू है ना, हम थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलते, करंट इलेक्ट्रिसिटी में I का वैल्यू आप पढ़ते हैं N E
ए वी डी बेटा ऐसा होता है। क्या होता है सर? एन ई ए वी डी, इस तरह की कहानी आप यहां पर पढ़ रहे होते हैं बेटा, ठीक है, एन ई ए वी डी। तो यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सर ये आपका आई रहेगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, यहां पर चार्ज ई हो गया, और यहां पर ड्रिफ्ट स्पीड वी डी हो गई बेटा। फिर प्लस यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ होल्स हो जाएंगे सर, फिर यहां पर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखेंगे, यहां पर चार्ज भी ई हो जाएगा और सर ड्रिफ्ट स्पीड वी डी हो जाएगा। तो केवल यहां पर एन ई और NH अलग अलग है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन द कंडक्शन, क्या यह समझ आया सभी लोगों को? है ना जी? अरे गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अरे ये देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, यहां पर देखो जरा, यहां पर कितना बेहतरीन एग्जांपल है। कारें अगर आपने मॉल में जाके पार्क करी होगी तो वहां पर सेमीकंडक्टर पढ़ा दिया भाई, ठीक है, और ये हकीकत है, ये टू घटना पर आधारित है बेटा, ठीक है। ये मैं बताता हूं कि मैंने कहां से बनाया। When I was driving a car, मैं मॉल में गया था और मैं कार पार्क करने वाला था। At the same time, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, मुझे नेक्स्ट डे सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाना था। And I was thinking how holes contribute in conduction, बेटा। यहां तो समझ में नहीं आता है, यहां तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि होल्स कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर जिस दिन मैं कार पार्क कर रहा था, मैं फंस गया, मेरे आगे बहुत सारी गाड़ियां थी, तो जैसे जैसे एक एक गाड़ी आगे निकल रही थी, मैं आगे बढ़ रहा था, जैसे एक एक गाड़ी आगे निकल रही थी मैं आगे बढ़ रहा था, और मैंने पीछे शीशे में देखा कि जगह पीछे खाली होती चली जा रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा आदित्य, ग्रेट। चलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पूरी कहानी समझ में आ गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, कि कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता है, किस तरह की कहानी होती बेटा, ठीक है। चलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अब यहां पर होता है बेटा एक मास एक्शन लॉ बेटा। क्या होता है सर? मास एक्शन लॉ, ठीक है। क्या होता है सर? मास एक्शन लॉ। अब ये क्या होता है सर? मास एक्शन लॉ, अभी आपने देखा था सर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, नंबर ऑफ होल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बेटा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो सर ये जो है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स को इस तरह से लिखा जा सकता है सर, एनी इंटू यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा, एनएच। तो ये यहां पर कहा जाता है सर, यहां पर आपके लिए हो जाता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बेटा। अच्छा इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, दिस शुड बी इन स्क्वायर बेटा, है ना, क्योंकि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसको फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। वैल्यू सिमिलर है तो अपने आप बनकर आ जाता है, ये बस ध्यान रखिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आपने पढ़ लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट भी आपको मिल गया, लेकिन यहां पर जो अमाउंट ऑफ करंट आपको मिल रहा है इज वेरी वेरी लेस बेटा। अमाउंट ऑफ करंट आपको कैसा मिलता है? इज वेरी वेरी लेस। तो आपको कुछ और जुगाड़ और तिकड़म लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहां पर आ जाइए, सवाल करते हैं उसके बाद फिर तिकड़म पर बात करेंगे, ठीक है। सवाल करते हैं फिर तिकड़म पर बात करेंगे। कार्बन और सिलिकॉन बोथ हैव द लेटाइस स्ट्रक्चर हैविंग फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ईच बेटा। हाउएवर सी इज इंसुलेटर वेयर इज एस आई इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज बिकॉज, अभी इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, अरे भाई कार्बन इंसुलेटर है और सिलिकॉन आपका क्या है सर? सेमीकंडक्टर मटेरियल है। क्यों? क्योंकि फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सिलिकॉन लाए इन द सेकंड ऑर्बिट, वेयर इज इन द केस ऑफ सिलिकॉन दे लाए इन द थर्ड ऑर्बिट बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन्स वो हाईली बॉन्डेड है, जो न्यूक्लियस से दूर है वो लूजली बॉन्डेड है। ऑप्शन सी मैंने कहा था ना, वन ऑफ द प्रीवियस ईयर है, कब आया? 2012 में, पुराना नहीं है, अभी 5-10 साल पहले का सवाल है, ठीक है। चलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, नाउ हमने अभी ये देखा कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, एट अ वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर वी विल बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ करंट बेटा, बट टू गेट द मोर वैल्यू ऑफ करंट यू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड टू डू सो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट विल नॉट क्या होगा बेटा आपके लिए, एक तरह से इफेक्टिव नहीं होगा या कन्वीनियंट नहीं होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से, जैसे अभी हम सब लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग सम सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, जैसे मैं फोन यूज कर रहा हूं, इफ आई हैव दिस फोन इन माय हैंड बेटा, और अगर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है और इसे ऑपरेट करने के लिए अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो मैं इसे यूज करते वक्त हो सकता है डरूं या फिर इफेक्टिव इसका इस्तेमाल ना कर सकूं बेटा। तो वो सारी चीजें यहां पर देखी जाती है। तो इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसे अचीव करने के लिए आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, तो ये तरीका सही
सही नहीं है, बट करंट तो ज्यादा चाहिए, बिन करंट के काम कैसे चलेगा, है ना जी, बिन करंट के काम कैसे चलेगा, बिन करंट के बिजली कैसे दौड़ेगी, ठीक है ना, तो बिजली तो चमकनी चाहिए ना, जुगनू। चलो तो यहां पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिन्हें हम इंप्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं यहां पर आपका, इंप्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, इंप्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। अब करते कैसे इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है बेटा, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर आपको चाहिए तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर डॉप्ड विथ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं बेटा, डॉप्ड विथ, क्या किया जाता है इनको, डॉप किया जाता है, डॉप्ड विथ इंप्यूरिटीज बेटा, डॉप्ड विथ किसके साथ बेटा, इंप्यूरिटीज के साथ। और ये जो इंप्यूरिटीज हैं, ये इंप्यूरिटीज दो तरह की हो सकती है सर, ये इंप्यूरिटीज आपकी ट्राइवेलेंट हो सकती है सर, और ये इंप्यूरिटीज आपकी पेंटावेलेंट हो सकती है बॉस, ट्राइवेलेंट हो सकती है और पेंटावेलेंट भी हो सकती है। ट्राइवेलेंट जिसके पास थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो बेटा, थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और पेंटावेलेंट जिसके पास यहां पर फाइव क्या हो जाए सर, फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसके पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां पर आपका पहला पेंटावेलेंट हो गया। ये जो इंप्यूरिटीज हैं बेटा, इन इंप्यूरिटीज को हम कहते हैं डोपेंट, इन इंप्यूरिटीज को हम क्या कहते हैं सर, दिस इंप्यूरिटीज आर नॉन एज डोपेंट बेटा, डोपेंट के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राइवेलेंट की बात करोगे तो एल्यूमिनियम ले लो, ट्राइवेलेंट की बात करोगे तो एल्यूमिनियम के ले लो, पेंटावेलेंट की बात करोगे तो फॉस्फरस ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया ट्राइवेलेंट, फॉस्फरस हो गया बेटा पेंटावेलेंट, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये समझ में आ गया, तो यहां जो एल्यूमिनियम और फॉस्फरस है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डोपेंट कहते हैं। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखें सर कि ये जो प्रोसेस है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डॉप किया जा रहा है, यानी कि इसके अंदर इंप्यूरिटी मिक्स की जा रही है, इसको हम कहते हैं डॉपिंग, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डोपिंग कहते हैं। यहां पर क्या कहते हैं बेटा, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर मिक्स्ड विद इंप्यूरिटीज, और उन इंप्यूरिटीज को हम यहां पर लेते हैं ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट बेटा, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग प्रोसेस। जो इंप्यूरिटीज मिला रहे उसे डोपेंट कहते हैं। ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट दो तरह की होती है बेटा। तो डिपेंडिंग अपॉन विच इंप्यूरिटी यू पीपल आर मिक्सिंग विद द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यहां आपको दो अलग अलग तरह के क्या मिल जाते हैं, दो अलग अलग तरह के आपको सेमीकंडक्टर मिलने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डोपिंग की ट्राइवेलेंट के साथ तो क्या होगा, देखिए अभी हमने किया यहां पर सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, फिर से स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डालूं हो जाए वैसा। एक बार किसी ने पूछा पानी से कि तुझे शर्म नहीं आती रंग बदलते हुए, जिसके साथ मिलाओ वैसा हो जाता है। पानी ने बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया, मुझे शर्म बहुत आती थी और अपने इस व्यवहार पर मैं हमेशा घबराता भी था, फिर एक दिन मेरी मुलाकात इंसान से हो गई। फिर एक दिन मेरी मुलाकात इंसान से हो गई, इंसान से मुलाकात हो गई तो बताओ जरा, ठीक है। चलिए यहां पर देखते सर क्या होंगे सर, तो बॉन्ड्स यहां पर बन गए सर, बॉन्ड्स यहां पर बन गए। अब देखो बॉन्ड्स बना देते पहले, है ना, बस बॉन्ड्स बना देते हैं, बॉन्ड्स बनाने के बाद में फिर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आई थॉट कि यार मैं डायग्राम ना पहले से बना के लाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार वहीं पर सामने बच्चों के बनाएंगे, ज्यादा मजे आएंगे और ज्यादा बढ़िया तरीके से आप लोग समझ भी पाएंगे। नहीं ठीक किया ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना, और यही बस मुझे डर था। चलिए बना लिया आपने, सेटअप बना लिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ये बन गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, इंस्टेड ऑफ द सिलिकॉन हमें क्या करना है सर, इस सिलिकॉन की जगह लेट से ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी पहले ले लेते, कौन से ले लेते बेटा, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। तो सिलिकॉन को मैंने यहां से हटाया। अभी आप देखो जब सिलिकॉन था तो परफेक्ट यहां पर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स नियर बाय चार सिलिकॉन एटम के साथ यहां पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर कंप्लीट अपना जो है बॉन्ड कर रहे थे।
लेकिन अब क्या हुआ, अब यहां पर बेटा यहां पर आ गया सिलिकॉन की जगह फास्फोरस। फास्फोरस के पास कितने कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो वहां पर उसके पास केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तीन, यहां पर क्या रह गए बेटा, तो तीनों ने तो बॉन्ड बना लिया लेकिन एक बॉन्ड नहीं बन पाया। तीन बॉन्ड तो बन गए लेकिन एक बॉन्ड नहीं बन पाया, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, तीन बॉन्ड तो कंप्लीट है बेटा लेकिन एक बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। दिस इज नॉट द होल बाय द वे, दिस इज नॉट द होल बाय द वे बेटा, ये होल नहीं है अभी। अब क्या होगा, यहां जो खाली जगह है, जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द नियर बाय एटम विल जंप, एंड यहां पर क्या करेगा, जब ये जंप करके यहां आया तो यहां का बॉन्ड तो कंप्लीट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड पीछे की तरफ क्या बेटा, लिविंग बिहाइंड होल बेटा। अब ये क्या बना, आपके पास होल बना। तो क्या हो रहा है सर, जब आपने फास्फोरस एल्यूमिनियम मिलाना चाहिए था, एक मिनट रुकना जरा, है ना, आई मस्ट मिक्स एल्यूमिनियम या ट्राइवेलेंट मिलाना ना, मैंने ट्राइवेलेंट की मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो मुझे यहां पर मिलाना क्या चाहिए था बेटा, हाँ, आई गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी, यहां पर मुझे मिलाना चाहिए था एल्यूमिनियम, क्या मिलाना चाहिए था बेटा, एल्यूमिनियम, हाँ जी एल्यूमिनियम, अरे मैंने वो चेंज कर दिया, एल्यूमिनियम कर दिया। तो यहां पर हमने क्या किया सर, एल्यूमिनियम मिलाया। अब एल्यूमिनियम के पास केवल तीन इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां जगह खाली थी, उस खाली जगह को भरने के लिए यहां इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे वैकेंसी बन गई। यानी कि आप क्या देख पा रहे हैं बेटा कि एक एडिशनल, यहां पर अगर आप इंप्यूरिटी मिक्स कर रहे हैं तो आपको एडिशनल होल्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे बेटा, एडिशनल होल्स यहां पर मिल रहे हैं। तो अगर आप यहां पर बनाते हैं कंडक्शन बैंड, अगर आप यहां पर बनाते हैं सर कंडक्शन बैंड, और अगर आप यहां पर बनाते हैं क्या बेटा आपके वैलेंस बैंड, यहां पर आपने बनाया वैलेंस बैंड, तो बच्चे वैलेंस बैंड के नियर बाय एक और लेवल होगा और उसको हम कहेंगे सर इंप्यूरिटी लेवल। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, दिस इज योर इंप्यूरिटी लेवल, क्या कहा जाएगा सर, इंप्यूरिटी लेवल। अब इंप्यूरिटी लेवल क्यों कह रहे हो, और ये वैलेंस बैंड के नियर बाय क्यों है, क्योंकि वैलेंस बैंड में जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं क्या करने के लिए, टू फिल दिस स्पेस बेटा, जो खाली जगह होती है उसको फिल करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेंगे बेटा, जंप करके यहां पहुंचेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके यहां पर पहुंचेंगे तो ये नियर बाय जितना होगा उतना बेहतरी से पहुंच पाएंगे बेटा, ये जितना पास होगा उतना इजीली पहुंचेंगे, एंड दे विल क्रिएट होल इन द वैलेंस बैंड बेटा। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बेटा, लेकिन वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गए। यहां पर चार इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर चार होल होने चाहिए थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के चक्कर में एडिशनल होल्स बना रहे हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट एवरीवन? पहले टेम्परेचर चेंज की वजह से चार इलेक्ट्रॉन ऊपर चार होल्स नीचे, लेकिन अब हुआ क्या कि इस तरह की वैकेंसी आपने जब इंप्यूरिटी मिक्स करी तो एल्यूमिनियम के तीन इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना पा रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन का है उसको कोई साथी नहीं मिल रहा है टू क्रिएट द बॉन्ड, टू कंप्लीट द बॉन्ड। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और पहुंच जाएगा उस खाली जगह पर, तो एक्स्ट्रा होल बन गया बेटा, और वो होल कहां पर बन रहा है, वैलेंस बैंड में। तो यहां पर आपको दिखेगा मोर होल्स, यहां पर आपको दिख रहे हैं सर मोर होल्स, ठीक है, और यहां पर आपको लेस इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। ये जो यहां पर है बेटा, इसको हम एक्सेप्टर लेवल भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सेप्टर लेवल भी कह सकते हैं। और ये जो डोपेंट आपने मिलाया है एल्यूमिनियम, इसको हम एक्सेप्टर एटम कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, एक्सेप्टर एटम कहेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर आपको चीजें समझनी थी कि यहां पर आपका लेवल भी समझ में आ गई सर कैसे बन रहे हैं, कहानी भी समझ में आ गई, तो आपको पता चला कि हमारे पास क्या हो गए सर, मोर नंबर ऑफ होल्स हो गए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स क्या हो जाएंगे सर इस तरह की सिचुएशन में, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्या हो जाएंगे बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए बेटा, है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए। अब अगर होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए तो इस तरह के सेटअप को हम क्या कहते हैं बेटा, इस तरह का सेटअप आपका कहा जाएगा पी टाइप, क्योंकि यहां पर जो होल्स है वो पॉजिटिव, इसलिए इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बेटा, क्या कहेंगे हम इसे,
पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, राइट, क्या यहां पर पी टाइप कैसा होगा? तो हम बोलेंगे सर पी टाइप इज एक्चुअली न्यूट्रल। बेटा कैसा होगा? पी टाइप इज एक्चुअली न्यूट्रल। बोले ये कहानी समझ में नहीं आई। एक तरफ तो आपने बोल दिया कि नंबर ऑफ होल्स विल बी लार्जर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तरफ तो आप बोल रहे हो सर कि इलेक्ट्रॉन कम है होल्स ज्यादा है, और दूसरी तरफ आपने लिख लिया कि P जो है वो न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रलिटी कैसे हो गई ये जरा समझा दो। तो न्यूट्रलिटी को समझाते हैं बेटा, क्या हो रहा है व्हेन यू आर टेकिंग दिस एल्यूमिनियम ना, देखो पहले आपके पास सिलिकॉन था, सिलिकॉन के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, समझो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि सिलिकॉन का एटम न्यूट्रल था। व्हेन यू ब्रिंग दिस एल्यूमिनियम, तो इसको जब आप अंदर मिक्स कर रहे हो तो एल्यूमिनियम का एटम भी तो न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है। अब हो ये रहा है नंबर ऑफ होल्स ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है ये क्या कर रहा है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए होल क्रिएट हो रहा है बेटा। तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इन वैलेंस बैंड, दैट डज नॉट मीन कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्लियर है एवरीबॉडी? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लॉजिक क्लियर है दोस्तों, ये लॉजिक क्लियर है। तो यहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो गए बेटा? होल हो गए। तो कंडक्शन कौन करेंगे? होल्स करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट होगा बिकॉज ऑफ होल्स ओनली, ये पॉजिटिवली पी टाइप हो गया बेटा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहां पर इसमें मिक्स कर रहे होते, इसी में अगर हम मिक्स कर रहे होते बेटा, कौन सा आपका एन टाइप यहां पर अगर बनाने के लिए, तो अगर आप यहां पर डायग्राम बनाएंगे फिर से, ठीक है, आप यहां पर डायग्राम बनाएंगे फिर से बेटा, तो यहां पर मेरे पास क्या है सर, सिलिकॉन है, यहां पर मेरे पास फिर से सिलिकॉन है। कितना अच्छा होता कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, तने टुक टुक मैं देखूं, मने टुक टुक तू देखे, ला जागणी आवे थाने, मने ओलू गणी सतावे सावरे सावरे। चलो इतने में काम कर लेते अपन, इतने में काम कर लेते। देखो यहां पर ये बॉन्ड कंप्लीट हो सकता है सर, ये बॉन्ड कंप्लीट हो सकता है सर, ये बॉन्ड कंप्लीट हो सकता है सर, ये बॉन्ड कंप्लीट हो सकता है सर। अब ये सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन इमेजिन करो कि यहां पर सिलिकॉन बाबू को हमने कहा, सिलिकॉन बाबू को हमने कहा आप जाइए जरा यहां से, कोई काम नहीं है आपका। हम लेकर आए फास्फोरस, और जैसे ही फास्फोरस लेकर आए, फास्फोरस क्या है? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी है। फास्फोरस क्या है बेटा? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी है। और जैसे ही आपने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को मिक्स किया, इस पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी के पास चार नहीं पांच इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया बेटा? एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि लगभग लगभग 30 एमस्ट्रॉन्ग की रेडियस में अराउंड द फास्फोरस न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर आप एनर्जी दोगे तो इसको आसानी पड़ेगी बेटा, इसको आसानी पड़ेगी जंप करके कहां जाना? कंडक्शन बैंड में जाना। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर बैंड डायग्राम बनाकर समझाते क्या सिचुएशन होगी बेटा। तो ये यहां पर आपके पास दिखाई दे रहा है सर कंडक्शन बैंड, यहां पर आपको दिखाई देगा सर वैलेंस बैंड, और एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो इट हैज हायर एनर्जी लेवल बेटा, ठीक है। तो अगर इसके पास एनर्जी लेवल हायर है तो डेफिनेटली यहां पर जो आपका इंप्यूरिटी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के नजदीक होगा। समझ में आ रहा है बेटा? इंप्यूरिटी लेवल विल बी नियर बाय, इंप्यूरिटी लेवल विल बी नियर बाय टू द कंडक्शन बैंड। तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस को मिक्स करने की वजह से, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे। तो दिस वैलेंस बैंड, दिस कंडक्शन बैंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन बट दिस वैलेंस बैंड हैज लेस नंबर ऑफ होल्स बेटा, ठीक है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि सर ये क्या है आपका, दिस इज योर इंप्यूरिटी लेवल बेटा। ये क्या है सर? न्यूमेरिकल आ सकते हैं बेटा केवल और केवल डायग्राम के बेस पर, इंप्यूरिटी लेवल। और आपको पता नहीं चलेगा अगर ये सब ध्यान नहीं रखोगे तो, कि कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी लेवल कहां होना चाहिए, पी के पास में, एन के पास में, राइट। तो यहां पर क्या होता है, सिलिकॉन के केस में ये जो गैप होता है ना, दिस गैप इज वेरी वेरी स्मॉल बेटा, और 0.054 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 0.054 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है अगर हम बात करें सिलिकॉन के लिए। तो इस गैप को जंप करके वो यहां पहुंच जाते हैं, और जब यहां पहुंचेंगे तो एक्सेस आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप यहां लिखेंगे सर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहां पर नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ
होल्स बेटा, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स बेटा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए सर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो गए हैं। तो अगर ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे सर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। लेकिन यहां पर भी जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो कैसा है बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली न्यूट्रल। डज नॉट मीन कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा बेटा, ठीक है। एक्चुअली कैसा होगा सर, न्यूट्रल होगा। एक्सप्लेनेशन सेम है बेटा, एक्सप्लेनेशन सेम है। आपका सिलिकॉन का एटम भी न्यूट्रल है और फास्फोरस का एटम भी न्यूट्रल है, और जब दो न्यूट्रल चीजों को मिला रहे हो तो रिजल्टेंट भी न्यूट्रल होगा। क्लियर है एवरीवन? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? डन, ठीक, यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? एक एक बात क्लियर है, एक एक बात क्लियर है कैसे कैसे यहां पर बन रहा है। तो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर बेटा। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो गए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बढ़िया चीज है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया भाई। अब करते हैं न्यूमेरिकल, क्या करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तब चीजें समझेंगे। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, किसकी बात हो रही है सर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नहीं गलत हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट बेटा, नहीं, यहां पर होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम आर द डोपेंट्स, यस बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑप्शन सी, होल्स मेजॉरिटी होनी चाहिए और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लाइक फास्फोरस आपको यहां पर डॉप करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, अंडरस्टूड एवरीवन? आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर ये जो इंप्योरिटी लेवल मैंने बताया था ना, ये जो यहां पर ये जो एटम होते हैं, यहां फास्फोरस, फास्फोरस को हम डोनर कहेंगे, डोनर होगा ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जबकि एन टाइप में एक्सेप्टर होता है, पी टाइप में एन टाइप में डोनेट करता है बेटा, एन टाइप में डोनर होता है और पी टाइप में एक्सेप्टर होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि किसमें डोनर किसमें एक्सेप्टर होता है, न्यूमेरिकल वैसे भी बन सकते हैं बेटा। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एन टाइप की बात कर रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम शुड बी डोपेंट बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और डोपिंग कैसे होनी चाहिए, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ। देखो ऐसे सवाल आते हैं सेमीकंडक्टर से और तुम इसको छोड़ के चले जाते हो, ठीक है, क्लियर है, राइट बेटा, बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन 500K पर हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne एंड NH कॉन्सेंट्रेशन बेटा, Ne और NH का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको, ठीक है। डॉपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH नंबर ऑफ होल्स टू दिस वैल्यू बेटा, ठीक है, 1.5 से इंक्रीज होकर 4.5 पर आ जाते हैं। द डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज कैसा होगा, द डॉप्ड सेमीकंडक्टर, अगर नंबर ऑफ होल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ होल्स बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है N टाइप तो हो नहीं सकता, बचा P टाइप। अब अगर P टाइप है तो नंबर ऑफ जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां पर क्या होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है, दिस वी नीड टू कैलकुलेट। कम ऑन एवरीवन, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, एनआई स्क्वायर फॉर्मूला मैंने अभी बताया था बेटा, हाँ यह आ रहा है ए वाला, राइट, ठीक है, हाँ ए वाला आ रहा है, ठीक है, पी टाइप तो होगा, क्लियर हो गया। हैविंग कॉन्सेंट्रेशन, निकालने का तरीका क्या है बेटा, एन आई जो स्क्वायर होता है वो होता है सर एन ई इंटू में यहां पर क्या होता है सर एन एच होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करना है, एन आई का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय यहां पर क्या होता है सर आपका एन एच हो जाता है। आपको मालूम है सर कि जो यहां पर इनिशियली नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपका एन आई होता है बेटा, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू में 10 रेस टू द पावर कितना बेटा 16 होल टू द पावर यहां पर 2 एंड होल डिवाइडेड बाय नंबर ये हो जाएगा होल्स का, दिस इज 4.5 इंटू में 10 पावर 22, तो बेटा ये आ जाएगा 15 225 2.25 और नीचे हो जाएगा सर आपका 4.5 और ये हो जाएगा सर 32 32 में से 22 जाएगा तो 10 रेस टू द पावर 10, तो सीधा सीधा समझ में आ गया कि सर 23 वाला आंसर तो हो नहीं सकता, यहां पर 10 वाला आंसर जो है 2.5 10 वाला आंसर हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 5 × 10⁻⁹, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। लास्ट वाले क्वेश्चन में आंसर ए आएगा, अच्छा, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटा, ओ सॉरी 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 सॉरी
बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैंने माइनॉरिटी पढ़ाई नहीं, मैंने माइनॉरिटी पढ़ाई नहीं और ऑप्शन डी कर दिया, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डॉपेंट बेटा। हाँ ये गलती मत करना है ना, आई अपोलॉजी लास्ट क्यों में आंसर, हाँ अरे हो जाता है, है ना, गलती कर दी है ना भाई, गलती कर दी है। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं सर, एक प्यारा सा सवाल है, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मेटल मटेरियल शोन हियर द ओपन सर्कल्स एंड फिल्ड सर्कल्स डिनोट्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली द मटेरियल इज बेटा, यहां पर वैलेंस बैंड है, ये कौन सा बैंड है बेटा, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में क्या ज्यादा नजर आ रहा है तुमको, वैलेंस बैंड में क्या ज्यादा दिख रहा है सर, होल्स ज्यादा दिख रहे हैं, वैलेंस बैंड में अगर होल्स ज्यादा दिख रहे हैं तो ई मटीरियल का हो जाएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर हो जाएगा, ई मटीरियल क्या हो जाएगा बेटा पी टाइप सेमी कंडक्टर हो जाएगा। एक तो ये पहचानने का तरीका, दूसरा पहचानने का तरीका इंप्यूरिटी लेवल जो है वैलेंस बैंड के पास है बेटा। अगर मैं ये सेम सवाल मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कंडक्शन बैंड है, यहां पर वैलेंस बैंड है और यहां पर मेरे पास इंप्यूरिटी लेवल है, बताओ कौन सा कंडक्टर है, तो बोलेंगे पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। नहीं बताया यहां नंबर ऑफ होल ज्यादा कम नहीं बोला, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा नहीं बोला, बस केवल इंप्यूरिटी लेवल बनाकर सवाल बोल दिया जाए, तो सेम सवाल 2007 का हो सकता है आपके 2022 में ऐसे रिपीट हो जाए, है ना, तो अगर 2007 का 2022 में ऐसे रिपीट हो गया तो आप बोलोगे सर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, क्या फर्क पड़ता है, तो तरीका पता होना चाहिए, बस न्यूमेरिकल तो फिर बन ही जाएंगे। व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड बेटा, क्या किया जा रहा है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हीट किया जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द होल्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंक्रीजेस इक्वली बेटा। अगर आप एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हीट कर रहे हो, हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वैलेंस बैंड को लीव करके कंडक्शन बैंड में जाते बेटा, और इस सिचुएशन में इक्वल नंबर पे होल्स और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे बेटा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों बढ़ेंगे, लेकिन वहां पर इफेक्ट कैसा होगा बेटा, दोनों का बराबर बराबर होगा। हां ऑब्वियस बात है, अरे मेरी बात सुनो, यहां पर होल्स ज्यादा हैं, लेकिन वो ज्यादा किस वजह से हैं, वो इंप्यूरिटी की वजह से ज्यादा हैं, आपके टेम्परेचर चेंज की वजह से होल्स की संख्या ज्यादा नहीं हुई है, यहां पर टेम्परेचर चेंज की बात कर रहा है। तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बेटा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन जो होगा वैलेंस बैंड का वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, लिविंग बिहाइंड होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो आपको यहां पर हीटिंग की वजह से देखना है, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। ये कैसे होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन कैसे डिक्रीज हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिक्रीज होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना कंडक्शन बैंड में, जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहां से, ठीक है क्लियर है, समझ आया। तो बहुत प्यारा सवाल था, यह भी कंफ्यूजिंग था। नाउ पीएन जंक्शन बेटा, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, पीएन जंक्शन, या फिर हम इसको पीएन डायोड के नाम से भी जानते हैं बेटा, इसको हम डायोड के नाम से भी जानते हैं, डायोड के नाम से भी जानते हैं। अब डायोड क्यों बोलते हैं, डाई का मतलब होता है डोओड का मतलब, यहां पर पोलैरिटी बेटा। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, अभी हमने देखा कि सर अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो करंट इज वेरी लेस, फिर आपको उसमें इंप्यूरिटी मिक्स करनी पड़ी, जब आपने इंप्यूरिटी मिक्स करी तो यू गॉट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट, लेकिन फिर भी करंट कम था, आपको और ज्यादा करंट चाहिए, तो अब यहां पर आपने बनाया दो कंडक्टर्स को फ्यूज करके कुछ नया, जिसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं बेटा। पीएन जंक्शन को कैसे अचीव करते हैं, राइट, तो या तो एन टाइप विल ग्रो ओवर पी टाइप, या फिर पी टाइप विल ग्रो ओवर एन टाइप बेटा। कुल मिलाकर आपके पास एक क्रिस्टल होगा, सुनिए, कुल मिलाकर आपके पास एक सॉलिड क्रिस्टल होगा लाइक दिस, एक सॉलिड क्रिस्टल होगा लाइक दिस, और इस सॉलिड क्रिस्टल में एक तरफ आप क्या करेंगे बेटा, एक तरफ आप डालेंगे यहां पर से, आपने इस तरफ डाल दिया ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, ठीक है, इस तरफ आपने डॉप करी ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, और इस तरफ आपने डॉप करी बेटा पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, ठीक है, ट्राइवेलेंट डॉप करी पेंटावेलेंट डॉप करी। हुआ क्या, ये दोनों डॉप करने की वजह से, ये दोनों को डॉप करने की वजह से आपने ये देखा कि सर यहां पर एल्यूमिनियम डॉप कर रहे हो, एल्यूमिनियम डॉप कर रहे हो तो यहां पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, एवरीवन यहां पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, क्या बोलते हो, यहां पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, ये कैसा हो गया आपका, ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, कैसा हो गया बेटा, दिस इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। यहां पर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डॉप किया है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे, तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। अभी देखिएगा जरा कहानी, होल्स यहां पर माइनॉरिटी है, होते तो हैं, होल्स यहां पर माइनॉरिटी होते तो हैं,
बढ़िया है। अब होगा क्या जब ऐसा हुआ तो होल्स कैसे सर पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे नेगेटिवली चार्ज है? ये कहानी होते ही यहां पर ये दोनों क्या करेंगे सर, फ्यूज करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे बेटा? फ्यूज करने लगेंगे। इधर का इलेक्ट्रॉन इधर के होल्स को फ्यूज करने की कोशिश करेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर के होल को फ्यूज करने की कोशिश करेगा। और जब ये फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश में क्या होगा ये समझिए, उस कोशिश में हुआ कुछ यूं, उस कोशिश में हुआ कुछ यूं कि यहां पर ये सेंटर लाइन को एज इट इज बना दिया बेटा मैंने डैश डैश। अब देखिएगा जरा, हुआ कुछ यूं कि सर जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर जा रहे थे, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर जा रहे थे तो एक यहां पर रीजन डेवलप हुआ और यहां पर ना पॉजिटिव आयंस बच बच के रह गए बेटा। क्या रह गए सर? यहां पर केवल बस पॉजिटिव, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलकर जाता है तो उसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मेंटेन करने के लिए पीछे पॉजिटिव छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर प्लस आयन इस तरह से क्या कर जाते हैं बेटा, इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहां पर प्लस आयन आपके इकट्ठा हो गए, और जब ये प्लस आयन इकट्ठा हो गए, अब यहां पर देखो, यहां पर इस जगह पर आकर जब देखो तो यहां पर इधर से होल्स आपके डिफ्यूज हुए, होल्स खत्म हुए, तो यहां पर नेगेटिव आयंस इकट्ठा हो गए बेटा। यहां पर क्या हो गए सर? नेगेटिव आयंस इकट्ठा हो जाएंगे लाइक दिस। तो नेगेटिव आयंस इकट्ठा हो गए। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि सर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, प्लस की वजह से और माइनस की वजह से होगा क्या? नाउ अभी आप देख रहे थे तो क्या हो रहा था, डिफ्यूजिंग हो रही थी बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर डिफ्यूजिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर टू न्यूट्रलाइज देम। ठीक है, क्या कर रहे थे बेटा? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर डिफ्यूजिंग विद ईच अदर टू न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट। और ऐसा होने के चलते यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन कहता है कि मुझे जाना है और यहां के होल को मजा चखाना है, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं आज, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना मारूंगा उसे पूरे चार्ज को खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई, यहां पर हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन जब जाना जा रहा है ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रही है ओ भाई किधर, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा? इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल एबल टू फ्यूज फर्दर बेटा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं हो सकते, चुपचाप यहां पर बैठ के रहना पड़ेगा इनको। यहां के जो होल्स हैं वो भी डिफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि होल्स के ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स। तो यहां पर होल्स अपनी जगह रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर रह जाएंगे। ओनली दोज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल फ्यूज जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, बाकी तो यहां पर सारे के सारे रुक चुके हैं। अब जो बीच में आप देख रहे हैं इस रीजन को, ये जो बीच में यहां पर आप देख रहे हैं रीजन, इस रीजन को हम क्या कहते हैं सर? इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं बेटा? इस रीजन को हम कहते हैं सर डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? डिप्लीशन का मतलब होता है फ्री। डिप्लीशन का मतलब होता है सर फ्री, यहां वह कोई चीज जो है नहीं। अब यहां पर क्या चीज की फ्रीनेस है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन होल्स की फ्रीनेस है। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होल नहीं हो सकता, अगर बनेगा भी। मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप, सेमीकंडक्टर मटीरियल है, तो एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बना, ये इमीडिएट होल को धक्का देगा और ये इमीडिएट इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चल भाग इधर, यहां आ जाए। होल को धक्का देगा चल भाग इधर, यहां आ जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पेयर अगर बन भी रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पर इस रीजन में बन भी रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्टेड टू द एन साइड एंड होल्स विल ड्रिफ्टेड टू द पी साइड बेटा। तो यहां पर ड्रिफ्टिंग हो रही है, नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल विल एग्जिस्ट इन दिस रीजन। और इसी रीजन को हम क्या कहते हैं बेटा? डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन लेयर में अगर आप एक बात देखेंगे तो यहां पर पी साइड में एक पॉजिटिव टर्मिनल जनरेट हो गया बेटा, और एन साइड में एक नेगेटिव टर्मिनल आपका जनरेट हो चुका है। तो इस रीजन में आपको यहां पर मिल रहा है सर एक बैरियर पोटेंशियल। क्या मिल रहा है सर? एक बैरियर पोटेंशियल। क्या मिल रहा है बेटा? बैरियर पोटेंशियल। और आपको मिल रहा है सर एक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या कर रहे हैं, जो इस इलेक्ट्रॉन और होल्स को फ्यूज होने से रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है बैरियर। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? बैरियर पोटेंशियल एंड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है दोस्तों? चमक रहा है कि नहीं? एवरीवन चमक रहा है? बढ़िया है, बढ़िया है, यहां तक क्लियर है?
बिल्कुल सही। अच्छा आगे करते हैं सर, इसको और डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या कहानी निकल कर आएगी। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, फर्दर डिफ्यूजन हो नहीं पा रहा है, तो अब यहां पर आपको डायग्राम देखने को मिल सकते हैं। सर अगर हम डायग्राम देखेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी कुछ कि सर एक चीज तो यहां पर पोटेंशियल का ग्राफ बनाकर देखते हैं। सर हम पोटेंशियल का ग्राफ बनाकर देखेंगे, पोटेंशियल का क्या करेंगे सर, अगर हम ग्राफ बनाकर देखेंगे तो यू फाउंड दैट कि सर यहां पर पोटेंशियल 0000 चलते रहा, लेकिन यहां से फिर पोटेंशियल पॉजिटिवली इंक्रीज रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ डिप्लीशन लेयर, और यहां जब पहुंचा तो फिर पोटेंशियल वापस आपका कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू शो कर रहा है। यहां से आप आगे बढ़े, यहां से आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ध्यान से सुनना, नन ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड हियर, नन ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड हियर। तो यहां पर आपको दिख रहा है सर यहां तक पोटेंशियल जीरो, लेकिन उसके बाद यहां पर क्या करेगा सर, पोटेंशियल कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, बिकॉज यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो आपका पोटेंशियल क्या करता है बेटा, इंक्रीज होता है विद द डिस्टेंस बेटा। अगर यहां पर डी मैंने डिस्टेंस ली, डी अगर मैंने क्या ली बेटा, यहां पर डिस्टेंस ली। अच्छा यहीं पर अगर आप चार्ज डेंसिटीज की बात करेंगे बेटा, ठीक है, अगर आप किसकी बात करेंगे सर, चार्ज डेंसिटीज की बात करेंगे, तो यहां पर चार्ज डेंसिटीज का भी आप डायग्राम बना सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का डायग्राम भी आप बना सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का डायग्राम बनाओगे तो यू कैन से दैट कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अच्छा डायरेक्टेड लेफ्ट साइड है, डायरेक्टेड कैसा है बेटा, लेफ्ट में है। अगर लेफ्ट में डायरेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस बेटा। यहां पर आपको ऐसा मिलेगा, ये पॉजिटिव रीजन की फील्ड है, ये नेगेटिव रीजन की फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ हो गया। क्या यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है बेटा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब दो तरह की चीज़ें हो रही थी, दो तरह की चीज़ें हो रही थी, कैसे आप यहाँ पर करंट एक्सेप्ट यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो दो तरह के करंट आपको यहाँ पर मिल रहे थे, है ना, करंट के बारे में बात करते हैं सर। एक करंट यहाँ पर कहा जाता आई डिफ्यूजन, एक करंट यहाँ पर कहा जाता बेटा आई डिफ्यूजन, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ, है ना, ये क्यों हो रहा है बेटा, तो ये हो रहा है सर आपका बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स डिफ्यूजन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स डिफ्यूजन बेटा। तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूज कर रहे हैं तो आपको यहां पर डिफ्यूजन करंट मिलेगा। होल्स इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, यू गॉट द डिफ्यूजन करंट। और एक होता है यहां पर आपका ड्रिफ्ट करंट बेटा, एक कौन सा करंट होता है सर यहां पर आपका, ड्रिफ्ट करंट, ये होता है बिकॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऑफ डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ऑफ डिप्लीशन रीजन, ठीक है, इन एन एंड पी टाइप साइड बेटा, एन एंड पी टाइप, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन बना, यहां पर इलेक्ट्रॉन बना, इसको ड्रिफ्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन साइड, और यहां पर जो होल्स बना बेटा उसको ड्रिफ्ट कर दिया आपने होल साइड। तो यहां पर भी आपको एक करंट मिलेगा, उस करंट को हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, और एक यहां पर आपका डिफ्यूजन करंट है। अभी हम जब बात करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की तो इसको और ज्यादा डिटेल में अभी एक्सप्लेन करेंगे बेटा। ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पर बेटा। अगर आपने डोपिंग हाई करी, यानी कि आपका डोपिंग लेवल ज्यादा है, तो यहां पर डिप्लीशन लेयर क्या होगा बेटा, कम बनेगा। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का, तब भी ये डिप्लीशन लेयर क्या करेगी बेटा, इसका रीजन कम कर रही होगी। तो डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है, जो विड्थ है, ये डिपेंड करती है कि किस तरह का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, किस तरह की डोपिंग लेवल है आपकी, और टेम्परेचर क्या है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा। इन तीन चीजों पर आपका यहां पर साइज ऑफ दिस डिप्लीशन लेयर डिपेंड्स। ठीक है, क्लियर है, पीएन जंक्शन से रिलेटेड इतनी बातें आपको समझ में आ गई बेटा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी। अब पीएन जंक्शन से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा, जिसको हम कहते हैं सर फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहेंगे बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग, क्या करेंगे सर, फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे हम। अब फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है समझ लीजिए, पहले बायसिंग क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव सीन दैट कि जब आप वहां पर क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट कनेक्टेड एनी बैटरी, इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग एनी बैटरी, किसके साथ बेटा, सेमीकंडक्टर के साथ, तो हुआ ये कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्यूज होना बंद हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स जो बन रहे हैं वो बहुत कम संख्या में होते हैं। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन होल्स बहुत लेसर अमाउंट में हैं, तो जो ड्रिफ्ट करंट होगा, अगर ये बैरियर पोटेंशियल बन गया, जब डिप्लीशन लेयर बन गई, तो केवल ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट करेगा बेटा, डिफ्यूजन करंट तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा।
जब आपका डिप्लीशन लेयर बन गया, इनफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, तो फिर ये फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्स को फ्यूज होने नहीं देगा, तो यहां पर केवल ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट करेगा जो बहुत कम होता है। तो टू गेट द हायर अमाउंट ऑफ करंट हमें यहां पर बाइसिंग करना होगा बेटा। क्या करना होगा? बाइसिंग करना होगा। अब जब आप बाइसिंग की बात करते हो तो क्या होता है? इधर आ जाइए जरा, आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करना है उसे समझिए। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग है ना, फॉरवर्ड बायसिंग बेटा। यहां पर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहां पर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एंड वी आर कनेक्टिंग बैटरी बेटा, वी आर कनेक्टिंग बैटरी। जब आपको फॉरवर्ड बायसिंग करनी होती है तो पॉजिटिव टर्मिनल शुड कनेक्टेड विद द पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल शुड कनेक्ट विद द एन टाइप बेटा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। अगर आपने इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा है, इसको प्लस पे, और इसको आपने अगर माइनस पे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इस तरफ होगा, राइट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पर आपके पास क्या है सर, यहां पर हमारे पास होल्स हैं, यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, यहां पर हमारे पास होल्स हैं, और ये जो होल्स हैं, इन होल्स के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्रिएट करी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी बेटा, फोर्स लगाएगी। होल्स पॉजिटिवली चार्ज है ना, होल्स पॉजिटिवली चार्ज है, किसी भी प्लस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है बेटा, एक फोर्स लगाती है, और उस फोर्स का वैल्यू होता है क्यू ई, और अगर क्यू ई डिवाइडेड बाय एम करोगे तो आपको एक एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा मतलब ये चार्ज एक्सेलरेट करेगा बेटा। तो यहां पर क्या हो रहा है, होल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होल्स यहां पर आएंगे, 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 और ये होल्स यहां पर आएंगे। दस द होल्स विल कम हियर बेटा, द होल्स विल कम हियर, और जब होल्स यहां पर आ रहे हैं, जब होल्स यहां पर आ रहे हैं, इन द सेम वे जब आप यहां पर चर्चा करेंगे, तो यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। क्या करती है बेटा, अगर हम बात करेंगे चार्ज माइनस क्यू की, तो माइनस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा QE डिवाइडेड बाय M, एक्सेलरेशन होगा बेटा, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट साइड है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर राइट साइड एक्सेलरेशन, नेगेटिव चार्ज के ऊपर लेफ्ट में एक्सेलरेशन, यानी कि यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ एक्सेलरेट किए जाएंगे, और इस तरफ एक्सेलरेट करके उन्हें फाइनली यहां भेजा जाएगा। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर भेजा जाएगा, तो आपको समझ में आ गया कि भैया अब इलेक्ट्रॉन यहां पाए जाते थे वो बढ़ के यहां आ गए, इलेक्ट्रॉन यहां होल्स यहां पाए जाते थे बढ़ के यहां आ गए। अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली हुआ कुछ यूं कि यहां पर डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ कम हो गई भैया, डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो क्या हो गया सर, रिड्यूस हो गया। और अगर डिप्लीशन लेयर, देखो ये यहां पर क्या है, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये न्यू लेयर हो गई, ये क्या हो गई बेटा, दिस इज योर न्यू लेयर हो गई, तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम हो रहा है, और ये यहां पर आपको दिखाई दे रही थी सर ओल्ड लेयर, ये क्या था सर, आपका ओल्ड लेयर का थिकनेस था, तो डिप्लीशन लेयर का रीजन क्या हुआ सर, कम हुआ। अब ये जो होल्स हैं, दिस होल्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द, कहां पर बेटा, टुवर्ड्स द रीजन ऑफ डिप्लीशन लेयर, होल्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द रीजन ऑफ डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द रीजन ऑफ डिप्लीशन लेयर ओनली। देखो जरा यहां पर समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ आर यहां पर एक्सेलरेट किए गए टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, तो यहां पर आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो रहा है बेटा, वो डिक्रीज हो रहा है। अगर डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का नेचर कैसा था, ऑपोजिट था एक दूसरे से, और पहले से ही ये क्या चाहते थे, एक दूसरे के साथ टकरा के फ्यूज होना चाहते थे। अब आपने डिप्लीशन लेयर क्या कर दी बेटा, कम कर दी। जब आपने डिप्लीशन लेयर को डिक्रीज किया, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो फ्यूज करना शुरू कर देंगे बेटा, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, बाय फॉरवर्ड बायसिंग, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग क्या हुआ सर, तो जो आपकी डिप्लीशन लेयर है, जो हमारी डिप्लीशन लेयर है बेटा, वो क्या हो गया, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हुआ। डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होने से क्या हुआ सर, आपका बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ। बैरियर पोटेंशियल के डिक्रीज होने से क्या होने लगा बेटा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, स्टार्ट्स फ्यूजिंग बेटा, है ना, स्टार्ट्स
क्या करने के लिए, स्टार्ट डिफ्यूजिंग, एक दूसरे को डिफ्यूज करना शुरू करने लगे। तो होल किस तरफ जा रहे हैं, राइट साइड। इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ रहे हैं बेटा, लेफ्ट साइड आ रहे हैं। अब आप यहां पर समझिए कि क्या सीन बनेगा सर, होल्स अगर इधर जा रहे हैं, होल्स कैसे हैं सर, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसे है सर, नेगेटिवली चार्ज है। होल्स की वजह से हमें यहां पर एक करंट मिलेगा जिसको हम आई एच कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हमें करंट मिलेगा जिसको हम आई ई कहेंगे। तो हो रहा है यहां पर क्या बेटा, आपका डिफ्यूजन करंट जो है, आई डिफ्यूजन यहां पर क्या हो गया सर, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया, विल बी वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू आई ड्रिफ्ट बेटा। क्योंकि ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट तो होता है इस रीजन में, ड्रिफ्ट होता है इस रीजन में जो आपके इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर जो बनेगा, इस रीजन में जो पिंक कलर का रीजन आपको दिख रहा है, इस पिंक कलर के रीजन में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा उसको ड्रिफ्ट करना है, उसी से ड्रिफ्ट करंट बनता है बेटा। लेकिन हो क्या रहा है कि ये लेयर तो आपने बहुत कम कर दी, इसका लेवल आपने बहुत रिड्यूस कर दिया, तो ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगा। तो यहां पर आप बोलेंगे सर टोटल करंट की अगर मैं बात करूं तो वो बिकॉज ऑफ केवल और केवल डिफ्यूजन ही आपको मिल रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहां पर आपका जो आई ड्रिफ्ट है बेटा, आई ड्रिफ्ट जो है यहां पर आपका नियर अबाउट जीरो हो जाएगा, कुछ माइक्रोवोल्ट्स के कंपेरिजन में बस होता है। यह फॉरवर्ड बायसिंग है, पूरी तरह से समझ आई सब लोगों को। एक कहानी और समझ लीजिए कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अगर फ्लो करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, करंट की डायरेक्शन यहां पर हो जाएगी ऐसी, करंट यहां पर फ्लो करेगा फ्रॉम पी टू एन साइड बेटा, करंट विल फ्लो फ्रॉम पी टू एन साइड। कहां पर फ्लो करेगा सर, पी से एन साइड फ्लो करेगा। इसको अगर हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इस डायोड का कुछ ऐसा होता है सर, यहां पर स्टॉपर लगा होता है और यह हो जाता है सर आपका कंप्लीट डायोड, यहां पर प्लस टर्मिनल, यहां पर माइनस टर्मिनल, बेसिकली ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है सर। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का सिंबल है बेटा, ये क्या बना दिया मैंने, फॉरवर्ड बायसिंग का सिंबल बना दिया। एंड दिस डायोड ये क्या कर रहा है, परफेक्ट कंडक्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आपको करंट यहां पर मिल रहा है, ठीक बेटा। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को, समझ आया एवरीवन? बढ़िया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ बात करते हैं सर, पीएन जंक्शन में और बढ़िया चीज, ठीक है। पीएन जंक्शन में अब हम बात करते हैं सर किसकी, तो पीएन जंक्शन में हम बात करते हैं सर रिवर्स बाइसिंग की। पीएन जंक्शन में हम बात करेंगे सर रिवर्स बाइसिंग की, और जब आप रिवर्स बाइसिंग की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, इनकेस ऑफ रिवर्स बाइसिंग व्हाट यू नीड बेटा, इनकेस ऑफ रिवर्स बाइसिंग आप लोगों को यहां पर क्या करना है, ये आपके पास रीजन था और इस रीजन में क्या था भैया, इस रीजन में आपके पास डिप्लीशन लेयर थी, ये पहले वाली पुरानी वाली डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अच्छा, डिप्लीशन लेयर के साथ साथ यहां पर सेंटर में क्या था, आपके पास सेंटर लाइन थी, है ना, सेंटर लाइन भी आप बना लिए, बढ़िया, सारी चीजें हो गई। यहां पर क्या थे सर, यहां पर होल्स थे बेटा, और इन होल्स को आप देखिएगा कि क्या करते हैं, ये क्या कमाल करते हैं, ठीक है। ये होल्स हैं, यहां पर क्या है सर, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं। बढ़िया सारे डायग्राम बनाकर समझाने के पीछे का रीजन ये है कि यार देखो बढ़िया से समझ में आ जाएगा ना, तो दिक्कतें फिर बाद में नहीं होगी, अदरवाइज फिर बाद में बच्चा सोचता है यार ये पता नहीं हुआ क्या था यहां पर, ठीक है। चलिए अब ये डिप्लीशन लेयर का रीजन है बेटा, इस तरफ नेगेटिव आयन से, इस तरफ पॉजिटिव आयन से, और आपने यहां पर बैटरी कनेक्ट करी और बैटरी को इस दफे आपने कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल एन के साथ। तो अब आप अगर देखोगे तो ये प्लस हो गया बेटा और ये माइनस टर्मिनल हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया कुछ इस तरफ, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया कुछ इस तरफ तो ये जो होल्स हैं ये एक्सलरेट होंगे बेटा अवे, दिस होल्स शुड एक्सलरेट अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन बेटा, और अगर को धक्का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मिला तो ये यहां से गायब हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको धक्का इस तरफ मिलेगा तो ये और इस तरफ खिसक जाएंगे, एंड यू विल फाउंड कि सर यहां पर जो हमारा डिप्लीशन लेयर है उसका साइज वा क्या करेगा भैया, बढ़ जाएगा। डिप्लीशन लेयर का साइज क्या करेगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। और जब डिप्लीशन लेयर का साइज बढ़ रहा है ऐसा दिखेगा आपको, इतना सारा पिंक दिखेगा, है ना। तो यहां पर ये क्या था सर, दिस इज योर ओल्ड वन, है ना, ये क्या था बेटा आपका ओल्ड लेयर था, ये क्या था बेटा आपका ओल्ड लेयर था, और यहां से लगाकर यहां तक आपने देखा सर ये क्या हो गया सर, आपका न्यू लेयर हो गया। ये कैसा हो गया बेटा, न्यू लेयर हो गया। अब इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होल्स, इलेक्ट्रॉन
होल्स और होल्स बन रहे होंगे, वो क्या करेंगे सर, दे गॉट ड्रिफ्टेड, होल्स को इस तरफ ड्रिफ्ट मिलेगा, होल्स को इस तरफ ड्रिफ्ट मिलेगा, होल्स को इस तरफ ड्रिफ्ट मिलेगा बेटा, और इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट मिलेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। तो यहां पर होल्स को ड्रिफ्टिंग मिल रही है इधर, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्टिंग मिल रही है एन साइड पे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होल्स बनेंगे दे गॉट ड्रिफ्टेड टू देयर रेस्पेक्टिव साइड्स बेटा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन की तरफ और होल्स जाएंगे पी की तरफ। तो यहां पर हम लिखेंगे सर इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग आपने क्या किया, जब आपने पोटेंशियल यहां पर दिया पॉजिटिव एन साइड को, तो जो डिप्लीशन लेयर थी, जो डिप्लीशन लेयर थी बेटा, उसमें क्या हो गया सर, डिप्लीशन लेयर जो है यहां पर इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज हो गया। बैरियर पोटेंशियल अगर और ज्यादा इंक्रीज हो गया तो यहां पर उसकी वजह से जो होल्स है बेटा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अनेबल टू डिफ्यूज बेटा, क्या हो गया सर, अनेबल टू डिफ्यूज, जो हायर एनर्जी पर थे वो भी नहीं डिफ्यूज कर पाएंगे अब तो, क्योंकि उन्हें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, अगर जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पहले डिफ्यूज कर भी पा रहे थे क्योंकि उनके पास क्या थी, हायर काइनेटिक एनर्जी थी, अब तो भाई साहब यहां पर लेयर आपने और ज्यादा इंक्रीज कर दी, तो फर्दर यहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स को एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी टू डिफ्यूज विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर बेटा। तो यहां पर अनेबल टू डिफ्यूज, इसका मतलब क्या होगा सर, आई डिफ्यूजन जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा, यहां पर केवल आई ड्रिफ्ट एग्जिस्ट करेगा, और आई ड्रिफ्ट क्या होता है सर, I drift will be non-zero but very small, but ये कैसा होता है सर, very very वेरी वेरी स्मॉल होता है सर। क्यों बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा कारण समझा दीजिए तो हमें यह भी ध्यान रहेगा, है ना। जब सारी चीजें आप कॉन्सेप्चुअली समझाते तो यह भी बता दो। ऐसा इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल का पेयर फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, एंड यू कांट इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल मच हायर बेटा, है ना। तो जब बहुत ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाओगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो फॉर्मेशन है उसका फिक्स्ड है बेटा रेट, और अगर वो रेट फिक्स्ड है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का फॉर्मेशन का रेट फिक्स्ड होने की वजह से अमाउंट कम है बेटा, और अगर अमाउंट कम है तो यहां पर करंट भी कम होगा, समझ रहे हो। अच्छा, इस करंट में चर्चा अगर करोगे ना तो पता चलेगा सर जो होल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो मूव कर रहे हैं राइट साइड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सर जो नेगेटिवली चार्ज है वो मूव कर रहे हैं सर लेफ्ट साइड। तो करंट वा क्या हो गया भैया, करंट मिलेगा यहां पर आपको होल्स की डायरेक्शन में आई एच, करंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में आई ई, दोनों एड होके यहां पर टोटल करंट बन जाएगा सर, और उसको हम कहेंगे आई ड्रिफ्ट बेटा, और आई ड्रिफ्ट यहां पर आपका बन रहा है सर आई एच प्लस आई ई, दोनों की ड्रिफ्टिंग की वजह से, और ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप बोलेंगे सर दिस करंट इज फ्रॉम एन टू पी साइड बेटा, कहां हो रहा है एन टू पी साइड, और अगर ये एन टू पी साइड हो गया, कैसा हो गया बेटा, N to P साइड हो गया, इनसाइड द सर्किट बोल रहा हूं, आउटसाइड द सर्किट P to N होगा। तो अगर ये N to P साइड हो गया मतलब ये रिवर्स करंट हो गया बेटा, ऑपोजिट करंट हो गया राइट। अच्छा, यहां पर कंडक्शन करने नहीं दे रहा है, यहां पर कंडक्शन हो नहीं रहा है, कंडक्शन नहीं हो रहा है तो बेटा रेजिस्टेंस जो होगा रिवर्स बायसिंग में इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस ऑफ दिस रिवर्स बायसिंग इज वेरी हाई बेटा, बल्कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग इज क्या होगा बेटा, वेरी लो होगा, क्योंकि वहां पर कंडक्शन में हेल्प हो रही होती है। तो ये दो बातें और एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आ गया एवरीबॉडी, रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं भैया, सारी कहानी क्लियर है, सारी कहानी क्लियर है। अब हम बात करते हैं सर फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में वी आई कैरेक्टरिस्टिक बेटा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी वी आई कैरेक्टरिस्टिक बेटा, क्या करने वाले हैं हम यहां पर, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। अब फॉरवर्ड और रिवर्स दो तरह की बायसिंग है बेटा, फॉरवर्ड और रिवर्स दो तरह की बायसिंग है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक को हम समझते हैं, यहां पर हमारे पास क्या है सर, करंट के लिए हमने यहां पर डायग्राम बना लिया है, इस तरफ हम ले रहे हैं हमारे पास क्या वैल्यू, तो पोटेंशियल का बेटा। जब आपका सप्लाइड पोटेंशियल क्या है बेटा, जब आपका अप्लाइड या सप्लाइड पोटेंशियल जीरो है, जब आपका अप्लाइड या सप्लाइड पोटेंशियल जीरो है तो यू विल बी हैविंग ऑलमोस्ट नो करंट बेटा, यू विल बी हैविंग
ऑलमोस्ट नो करंट। फिर आप क्या करेंगे, धीरे 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 आपका सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे। जब धीरे धीरे आपका सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहाँ पर 0.1 है मान लीजिए, यहाँ पर आपका 0.2 है, यहाँ पर आपका 0.3 है, यहाँ पर आपका 0.4 हो गया वोल्ट में, यहाँ पर 0.5 हो गया बेटा, यहाँ पर आपका 0.6 हो गया और यहाँ पर आपका 0.7 हो गया। एक ही ग्राफ में मैं दो दो बनाऊंगा, ठीक है। तो लगभग लगभग ये कर्व क्या होता है बेटा कि बढ़ा रहे हो टेम्परेचर, आपका वोल्टेज बढ़ा रहे हो, 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 एकदम से ये इंक्रीज होता है बेटा 0.3 पर आकर। ये रेड वाला कर्व किसके लिए है, ये रेड वाला कर्व है फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बेटा। अगर आप जर्मेनियम यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट एट 0.3 वोल्ट क्या करता है, ये एकदम से एक पीक अचीव करता है बेटा। ये एकदम से क्या कर रहा होता है, एक पीक अचीव कर रहा होता है। अगर आप इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अगर आप बुक के साथ मैच करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग के हिसाब से ड्रॉ कर दिया, आप फिजिक्स में देखेंगे, बोलेंगे का मासा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इस तरह का बना दिया। और अगर आप यहां पर देखेंगे इन केस ऑफ सिलिकॉन बेटा, इन केस ऑफ सिलिकॉन तो जो बैरियर पोटेंशियल होता है सिलिकॉन का वो 7 होता है, जर्मेनियम का होता है 0.3, सिलिकॉन का होता 0.7। तो ये कर्व यहां से लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करेगा और एकदम से यहां पहुंचेगा बेटा इन केस ऑफ सिलिकॉन बेटा, ठीक है। और ये फॉरवर्ड बायसिंग में करंट मिल रहा है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। अब आप बोलोगे सर कि आफ्टर द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल इज गिविंग यू ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, ऐसा क्यों है? अरे आप यहां पर बोलोगे सर एकदम से कर्व स्टिप कैसे हो गया, एकदम से कर्व यहां पर स्टिप कैसे हो गया? तो हम बोलेंगे बेटा बड़ा सिंपल सा रीजन है इसका, सुनो क्या हो रहा है। कौन रोक रहा था? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज है, एक दूसरे की खून के प्यासे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन कहेगा डिफ्यूज करना है मेरे को, तेरे को मारना है, तो नेगेटिवली चार्ज आदमी है, एग्जिस्ट ही नहीं करने दूंगा तेरे को मैं। इलेक्ट्रॉन कहता अच्छा तुम आके हमको मारोगे तो हम क्या थप्पड़ खाएंगे, हम भी आ ही रहे हैं तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज करना चाहते ही हैं। और अब आप क्या कर रहे हो फॉरवर्ड बायसिंग में, आपने क्या किया, कोई दो आदमी लड़ना चाहते हैं, आपने उनको मैदान दे दिया, तो क्या करेंगे भाई, फिर तो तलवारें चलेंगी। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों लड़ना तो चाहते ही थे, एक दूसरे को डिफ्यूज तो करना चाहते ही थे। अब यहां पर आपने फॉरवर्ड बायसिंग करके उनको मैदान और दे दिया, डिप्लीशन लेयर को कम और कर दिया बेटा। तो यहां पर क्या होगा, आपका फ्यूज का रेट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाएगा वंस यू रीच अप टू बैरियर पोटेंशियल बेटा। इसलिए आपको ऑल ऑफ सडन यहां पर इंक्रीमेंट दिखता है करंट में विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर इन द सप्लाइड पोटेंशियल बेटा। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि इसमें रिवर्स बायसिंग में, तो रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है सर, करंट एक तो रिवर्स डायरेक्शन में होता है और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है रिवर्स बायसिंग में होता है, लेकिन यहां पर एकदम से करंट आपको मिलता है। इसको हम बोलते हैं बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको हम क्या कहते हैं सर, इसको हम बोलते हैं सर ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब इसको समझ लीजिए जरा, ब्रेकडाउन है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज हम इसको कहते हैं ना, मैंने ऊपर लिख दिया है वोल्टेज नीचे की जगह, ब्रेकडाउन वोल्टेज बेटा। एकदम से आपको रिवर्स करंट मिल रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट, ठीक है। यहां पर ये कहानी आपको बता रही है फॉरवर्ड बायसिंग की, यहां पर ये कहानी आपको पता चल रही है बेटा रिवर्स बायसिंग की। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, और यहां पर आपको रिवर्स बायसिंग में हो क्या रहा है, क्यों अमाउंट ऑफ करंट आपको मिल रहा है बेटा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, आप समझिए जरा। आपने यहां पर क्या किया सर, रिवर्स बायसिंग को समझते हैं बढ़िया से, रिवर्स बायसिंग को समझते हैं बढ़िया से। ये यहां पर आपने सेटअप बनाया था, यहां पर आपने क्या किया बेटा सेटअप बनाया, और इस सेटअप में बीच में यहां पर क्या था सर, बीच में यहां पर आपकी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो गई थी बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग, ठीक है। ये डिप्लीशन लेयर आपकी क्या हो गई थी बेटा, इंक्रीज हो गई थी बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग। बना लीजिए इसको, ठीक है, सारा सेटअप बना लिया, यहां पर आपने एक बैटरी भी कनेक्ट कर दी, फिर से आपको समझाने के लिए माइनस, यहां पर प्लस, और ये रिवर्स बायसिंग के लिए सेटअप आपने बना दिया बेटा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, फर्दर यू पीपल आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बढ़ाते जा रहे हो लगातार लगातार बेटा, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग वी वैल्यू, लगातार लगातार बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जब ये सिग्निफिकेंटली बढ़ता चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो इस जगह पर हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिवर्स डायरेक्शन में बेटा, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिवर्स डायरेक्शन में सर्किट में फ्लो होने के लिए बाध्य करेगा कि नहीं बेटा, बताओ जरा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ ड्रिफ्ट मिल जाएगा और ये ऐसे सर्किट में फ्लो करने लगेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में आपको करंट मिल जाएगा। बहुत हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टू ड्रिफ्ट
सिग्निफिकेंटली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विच कॉजेज द करंट बेटा, इसलिए यहां पर आपको यह मिल रही होती है सिचुएशन। दो तरह के ब्रेकडाउन आपको यहां पर मिलते हैं सर, एक इसको हम बोलते हैं सर जेनर ब्रेकडाउन, एक क्या होता है सर आपका जेनर ब्रेकडाउन जिसमें रिवर्स वोल्टेज आपको मिल रहा होता है बेटा, और एक होता है सर आपका एवेलांसे ब्रेकडाउन। क्या होता है सर आपका एवेलांसे ब्रेकडाउन, ठीक है। दो तरह के ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलते हैं सर, जेनर ब्रेकडाउन और एवेलांसे ब्रेकडाउन। अगर आप जेनर ब्रेकडाउन की बात करोगे तो इसमें क्या होती है सर, हेवी डोपिंग होती है। क्या होती है सर इसमें आपकी, हेवी डोपिंग होती है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके पास इलेक्ट्रॉन होल्स अवेलेबल होते हैं जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली ड्रिफ्ट कर देती है बेटा। अगर एवेलांसे ब्रेकडाउन की बात करें तो इसमें क्या होता है सर, ये लाइटली डॉप्ड होता है कंडक्टर। कैसा होता है बेटा, सेमीकंडक्टर आपका लाइटली डॉप्ड होता है। तो फिर क्या होगा, लाइटली डॉप्ड होने की वजह से अब क्या हो रहा है बेटा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाई कर ही रहे हो ना, आपने डोपिंग करी लेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल ज्यादा है ही नहीं जिनके ऊपर फोर्स लगाकर मूवमेंट करवाया जाए, समझना। एवेलांसे ब्रेकडाउन के केस में आपने डोपिंग करी है लाइट, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होल्स है ही नहीं, तो किसको आप ड्रिफ्ट करोगे, है ही नहीं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो फिर वहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हाई वैल्यू क्या करती है बेटा, जो यहां पर आयंस के साथ अटैच्ड इलेक्ट्रॉन होल्स है ना, उनको क्या कर देती है, नॉकआउट कर देती है, एंड कॉजेज अ हाई वैल्यू ऑफ स्पीड बेटा, हाई वैल्यू ऑफ स्पीड या फिर हाई एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में क्रिएट कर देती है, और वो इलेक्ट्रॉन फर्दर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर टकराता है, उसको भी नॉकआउट कर देता है। ऐसे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पेयर आपको मिलने लगता है इन केस ऑफ एवेलांसे ब्रेकडाउन, और ये कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत ज्यादा इंक्रीज होने से। इसीलिए अगर आप जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करोगे तो लगभग 20 वोल्ट होता है बेटा, लेकिन अगर आप एवेलांसे ब्रेकडाउन की बात करोगे तो वो 20 से ज्यादा होता है। तो ये जेनर ब्रेकडाउन है ZB, ये एवेलांसे ब्रेकडाउन है बेटा AB, और ये ऑलमोस्ट यहां पर 50 वोल्ट के आसपास तक जा रहा होता है बेटा। तो पूरा कर्व मेरे ख्याल से समझ में आ गया, सारी कहानियां क्लियर हो गई। एवरीबडी, ह्यूज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल यू नीडेड टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ वेरी फास्टर वेलोसिटी सो दैट वो किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ टकराकर उसे नॉकआउट करके बाहर निकाल सके बेटा। ठीक है, क्लियर है एवरीवन, अंडरस्टूड? यहां तक सबको समझ में आया बेटा किस तरह से बाइसिंग हो रही है? यहां पर फर्दर आपका जो है रीजन वो इंक्रीज होते ही चला जाता है और इस तरह का सेटअप आपको मिल जाता है। ठीक है, क्लियर बेटा, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं सर। अब करते हैं सवाल। बाय गॉड, थ्योरेटिकल चैप्टर जिस भी दिन पढ़ाओ ना, बोलते बोलते जो है गले की हालत खराब हो रखी होती है यार। और तुम लोग कभी कभी कहते हो, है ना, अरे सर 2 घंटे पढ़ा दिया करो ना यार, लंबा क्लास का है लेते हो सर। देखो भाई साहब, ऐसा है कि हमने तो टारगेट ले रखा है कि लगभग 15 मई तक तुमको फ्री कर देंगे, ठीक है। एक बार का सिलेबस तो 15 मई तक निपटा देंगे, फिर दूसरा लेकर आएंगे जिसमें शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ तो करेंगे, फिर बचा हुआ 1-1.5 महीना, ठीक है। तो मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा होकर जब पढ़ा रहा होता है भाई 2.5-3 घंटे 4 घंटे, तो तुम्हें किस बात की दिक्कत है अपने घर पर बैठ कर पढ़ने में? हाँ सर, अर्ली इन द मॉर्निंग क्लास रख लिया आपने, सुबह 6:30 बजे, मेरी तो नींद ही नहीं खुलती। कोई बात नहीं, क्या तुझे मालूम है कि तेरी नींद खुलना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी दिन हॉस्पिटल से तुम रात को 2 बजे घर पहुंचोगे और फिर तुम्हारे पास 4:30 बजे फोन आ जाएगा, इमरजेंसी है मैम, इमरजेंसी है सर, आपको पहुंचना पड़ेगा। क्या उस समय तुम ये बोलोगे कि मेरी नींद नहीं खुल रही है? ये सब देखता है नेचर, ये सब देखता है यूनिवर्स। वो हैबिट्स आज से डेवलप करो, सेक्रीफाइसेस आज से शुरू करो। वो पहला सेक्रीफिकेशन सोशल मीडिया को अवॉइड करना होगा, वो पहला सेक्रीफिकेशन इंस्टाग्राम से दूर होना होगा, वो पहला सेक्रीफिकेशन टीवी से दूर भागना होगा, वो पहला सेक्रीफिकेशन आईपीएल के साथ एडिक्शन नहीं होना चाहिए, वो पहला सेक्रीफिकेशन भावनाओं में बहना नहीं होना चाहिए। यहां से शुरू करिए एक डॉक्टर की जर्नी, तो आप आज फ्यूचर डॉक्टर हैं, कल आप एक्चुअल डॉक्टर होंगे, फ्यूचर शब्द हट जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, समझिए आप जरा। चलिए, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू फॉरवर्ड बायस ओनली, रिवर्स बायस ओनली, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट बेटा। रिवर्स बायसिंग की वजह से आपका डिप्लीशन रीजन जो है उसकी विड्थ क्या करती है बेटा, इंक्रीज होती है, अगर आप रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हो तो। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटीरियल,
टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेटा, हम बोलेंगे तीनों पर ही निर्भर करती है। अगर आपने यहां पर देखा अमाउंट ऑफ डोपिंग के साथ बैरियर पोटेंशियल कैसा होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के साथ भी बैरियर पोटेंशियल कैसा होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डोपिंग बहुत हाई है बैरियर पोटेंशियल कम होगा, टेम्परेचर बहुत हाई है बैरियर पोटेंशियल कम होगा, बिकॉज यू विल बी हैविंग मोर चार्ज कैरियर्स बेटा, जिनको आप क्या नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर सेपरेटेड नहीं रख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर एना अनबायस्ड पीएन जंक्शन बेटा, किसकी बात कर रहा, अनबायस्ड यानी कि बैटरी नहीं कनेक्ट किए हो, अनबायस्ड पीएन जंक्शन, होल डिफ्यूजेस फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज ऑफ दी, यहां पर ही, अब ही नहीं यहां पर टी गायब हो गया, द अट्रैक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन, द हायर होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन देन इन द एन रीजन, द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन देन इन द पी रीजन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पी एन जंक्शन बेटा, द हायर होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन देन इन द एन रीजन बेटा, क्यों कर रहे हैं होल्स डिफ्यूज, क्योंकि पी के पास ज्यादा नंबर ऑफ होल्स अवेलेबल हैं कंपेरिजन टू एन टाइप बेटा, तो एन के कंपेरिजन में पी के पास ज्यादा नंबर ऑफ होल्स हैं और इस वजह से होल्स जाते हैं और डिफ्यूज कर जाते हैं बेटा, राइट। अब यहां पर ये पी रीजन की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी गलत होगा बेटा। ये किसकी बात कर रहा है सर, पी रीजन की बात कर रहा है, इसलिए यहां पर आपको जो है ऑप्शन सी लग सही रहा है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन देन दैट इन द पी रीजन, लेकिन ये एन की बात करता अगर एन रीजन की तो ऑप्शन सी बोलते, यहां पर पी रीजन की बात किया तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया बेटा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट, इन अ पी एन जंक्शन हाई पोटेंशियल एट एन साइड लो पोटेंशियल एट पी साइड, पीएन जंक्शन में हाई पोटेंशियल एट एन साइड एंड पी पोटेंशियल एट लो साइड, एंड लो पोटेंशियल एट पी साइड, हाई पोटेंशियल एट पी साइड, लो पोटेंशियल एट एन साइड, पी एन एन बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल अंड डिटरमाइंड बेटा, हम बोलेंगे ऑप्शन ए होगा। आपका एन साइड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है, आपका जो पी साइड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है, तभी तो वहां पर बैरियर पोटेंशियल बन रहा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए बेटा, ठीक है, हायर पोटेंशियल एट पी साइड एंड लोअर पोटेंशियल एट एन साइड, बच्चा ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट करता है कभी कभी, लेकिन आपको समझना है यू आर टॉकिंग अबाउट पी एन जंक्शन जिसमें बायसिंग नहीं किया हुआ है, तो इन जनरल आपको आंसर करना तो ऑप्शन ए के साथ जाना ठीक रहेगा बेटा। डायोड की हम बात करते हैं, डायोड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा, डायोड में अब आप लोगों ने दो तरह की चीजें यहां पर देखिए, समझिएगा जरा ध्यान से, डायोड का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, यहां पर ये होता है, ये आगे इस तरह से लगा होता है, ये क्या होता है सर, यहां पर प्लस होता है यहां पर माइनस होता है, इसको हम पी टाइप कहते हैं, इसको हम एन टाइप कहते हैं। आप यहां पर देखेंगे सर, अगर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव किया, इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। यहां पर इसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 के बराबर हो जाता है, ठीक है, 0.7 वोल्ट के बराबर इन केस ऑफ सिलिकॉन, और अगर हम यहां पर बैरियर पोटेंशियल की बात करें तो 0.3 वोल्ट हो जाता है इन केस ऑफ जर्मेनियम बेटा। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग तो वो ऑलमोस्ट 20 ओम के आसपास होता है बेटा, 20 ओम के आसपास होता है, और यहां पर ये डायोड क्या करेगा, एक आपको बेहतर कंडक्शन मिलेगा, ठीक है, कंडक्टिंग होगा, ये डायोड कैसा होगा बेटा, यहां पर आपको कंडक्शन मिल रहा होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट आपके पास है अगर ये बायसिंग फॉरवर्ड है तो। डायोड के सिंबल में अगर आपने यहां पर देखा बेटा, अच्छा ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं स्टॉपर, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दिस डंडी इज नोन एज स्टॉपर बेटा। स्टॉपर आपको ये बोलता है कि करंट को अगर आप भेजना चाहेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा, अगर आप करंट को भेजना चाहेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि इसको अगर आप प्लस और इसको आप माइनस करते हैं, ये डायोड किसमें हो गया बेटा, रिवर्स बायसिंग में, स्टॉपर लगा हुआ है, वो कहेगा ना 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 ऐसा करंट हम नहीं जाने देंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा बेटा नो करंट, यहां पर आपको क्या मिलेगा सर, नो करंट, अगर हम आइडियल डायोड की बात कर रहे होंगे तो, अदरवाइज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यू विल बी हैविंग, राइट, क्लियर है। नहीं, पीएन जंक्शन को कुछ नहीं बोला है तो रिवर्स बायस में नहीं मानना, अनबायस्ड मानना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड रिवर्स एंड अनबायसिंग बेटा। अनबायसिंग के कंडीशन में डिप्लीशन लेयर तो होगा ना, अब डिप्लीशन लेयर देखोगे तो एन का पोटेंशियल क्या हायर है और पी का पोटेंशियल लोअर है, यही तो कहानी मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं जी, सवाल करते हैं सर, इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन द टेंपरेचर ड्यू टू हीटिंग अफेक्ट ओनली द रिवर्स बायसिंग, अफेक्ट ओनली द फॉरवर्ड बायसिंग, डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन, अफेक्ट द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन, ऑप्शन डी होगा, बिकॉज बेटा जब आप टेंपरेचर को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अगर आप हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो पेयर फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगा बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होंगे, तो आपको
ज्यादा कंडक्शन मिल रहा होगा एट द सेम वैल्यू ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, तो यहां पर ओवरऑल आपका जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वही चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा बेटा। 2018 का सवाल है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस बेटा, फॉरवर्ड बायस। अच्छा जी, यहां पर हम देखते हैं सर इसका क्या है, सर 4-4 है, ये -3 है, ये हायर है बेटा, ये क्या हो गया सर, ये हाई हो गया, ये क्या हो गया सर, लो हो गया, ये तो क्या हो गया सर, रिवर्स बायसिंग हो गया, इसको हटाते हैं। यहां पर +2 है, यहां पर -2, ये भी रिवर्स बायसिंग हो गया, इसको भी हटाते हैं सर। यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, ये भी रिवर्स बायसिंग हो गया, इसको भी हटाते हैं सर। यहां पर -2, यहां पर 0, 0 इज हाई है बेटा, 0 इज हाई बट -2 इज लो, तो यहां पर क्या बोलेंगे सर, दिस इज आर फॉरवर्ड बायसिंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। ठीक समझे, ठीक समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन सर्किट हैज द टू आइडियल डायोड्स कनेक्टेड शोन इन द फिगर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर वन विल बी, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर वन विल बी, यहां से ठीक है। अब देखो ये यहां पर प्लस टर्मिनल है बेटा, यहां पर ये माइनस टर्मिनल है। अब आप अगर देखेंगे ये प्लस ये माइनस, यहां पर बोल देते सर 0, यहां पर आप बोल देंगे सर +10 volt, राइट ठीक है। तो भाई साहब मुझे जो समझ में आता है कि ये वाला डायोड किसमें हो गया सर, रिवर्स बायसिंग में हो गया, और ये वाला डायोड आपका किसमें हो गया सर, फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। दिस विल नॉट कंडक्ट बेटा, इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी कंडक्शन में, ठीक है। नन ऑफ द करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन बेटा, नन ऑफ द करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा सर, यहां पर आपका 2 और 2 कितना हो जाएगा सर, 4, 4 डिवाइडेड बाय क्या करोगे सर, अगर करंट की बात करोगे तो ये हो जाएगा सर 10 volt डिवाइडेड बाय दिस 2 + दिस 2, तो ये हो जाएगा 4, मतलब ये हो गया सर 2.5। इसमें करंट आ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में हो गया, रिवर्स बायसिंग में तो करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा, दिस 3 ohm रेजिस्टेंस का वहां पर होना नहीं होना कोई मतलब का नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, बढ़िया। आसान आसान सवाल आते, देखो नीट 2016 पे नजर रखना, नीट 2016 पे नजर रखना बेटा, नीट 2016 पे नजर रखोगे नंबर ऑफ सवाल देखना आप कितने मिलेंगे, ठीक है। कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी इज बेटा आइडियल, इसको कंसीडर किया, ये 4 volt है, -6 है। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आप बात करेंगे सर, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आप बात करेंगे तो सर हो जाएगा 4 - -6, यानी कि 10 volt हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस हो गया सर 1/1000, क्योंकि 1 × 1000 सॉरी, यहां पर आपको किलो वोल्ट, किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करना था, तो ये आ जाएगा सर आपके पास 10 × 10 raised to the power -3, यानी कि 10 raised to the power -2 एम्पियर। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है सभी लोगों को, बताइए जरा, बताइए जरा, राइट क्यू चैंपियंस, यहां तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से सेम सवाल है, सेम कहानी है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत, अच्छा हाँ करने की जरूरत है, होमवर्क नहीं देते, क्यों करने की जरूरत है समझाते हैं। इन द गिवन फिगर डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 100 ohm, एन ईएमएफ ऑफ 0.3.5 volt, इन द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5 बेटा। बैरियर पोटेंशियल अगर 0.5 है, द करंट इन द सर्किट विल बी, पता है यहां का 3.5 volt जो है इसके बैरियर पोटेंशियल को सेटिस्फाई करने में खर्च हो जाएगा 0.5 volt बेटा, तो इसके अक्रॉस कितना बचेगा, केवल और केवल 3 volt बचेगा। अब रेजिस्टेंस पता है, यहां पर ये पता है करंट की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा सर, 3/100 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए भाई साहब, तो आंसर आ जाएगा 30 mA, और टिक करके आगे बढ़ेंगे, टिक करके आगे बढ़ेंगे, समझ आया। तो अगर आप लोगों को फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू गिवन हो, तो टोटल सप्लाइड पोटेंशियल में से उतना पोटेंशियल आपको बैरियर पोटेंशियल को क्या करने में है, जो है खत्म करने में खर्च करना पड़ेगा। तो यहां पर आपने क्या किया, 3.5 में से 0.5 आपने खर्च कर दिया बेटा, तो बचा आपके पास केवल 3, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए यहां पर देखते हैं सर सवाल, ऑब्वियस बात है सर ये 0 है और यहां पर क्या है सर 5 है, ये रिवर्स बायसिंग है, कंडक्ट नहीं करेगा, केवल ये वाला कंडक्ट करेगा, तो 5/10 करोगे तो 0.5 एम्पियर विल बी द करंट बेटा। कितने सवाल आ रहे हैं यहां पर फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग के बेस पर, कितने सारे सवाल आ रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बेसिस पर बेटा, राइट। तो ये वाला सवाल मैं आपको देता हूं गृह कार्य, क्योंकि सिमिलर है, बस आपको पता लगाना है कि कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स बायसिंग है बेटा, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल देखिए, करंट इन द सर्किट विल बी, यहां पर क्या है सर 5 है, यहां पर आपका जो है 0 हो जाएगा, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग होगा लेकिन ये वाला रिवर्स बायसिंग होगा, कोई कंडक्शन नहीं होगा। तो यहां पर आप देखोगे सर 20 और ये 30 दोनों क्या हो जाएंगे सर, ऐड होके 50 हो जाएंगे, तो 5/50
एम्पियर विल बी द करंट बेटा, 5/50 एम्पियर विल बी द करंट, ऑप्शन बी डायरेक्ट, मतलब बिल्कुल देखा टिक किया आगे बढ़ गए, देखा टिक किया आगे बढ़ गए। जेनर डायोड की हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं सर, जेनर डायोड की हम बात करते हैं। जेनर डायोड क्या था, तो आपने देखा सर जेनर डायोड था यहां पर स्पेशल केस ऑफ रिवर्स बायसिंग बेटा। जेनर डायोड क्या है सर, तो जेनर डायोड है स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ कैसा है बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ आपका पीएन जंक्शन, और कैसा कनेक्टेड होता है, तो ये जेनर डायोड होता है आपका ऑलवेज इन रिवर्स बायसिंग। किसमें होता है बेटा, आपका ऑलवेज इन रिवर्स बायसिंग होता है, हमेशा रिवर्स बायसिंग में ही कनेक्टेड होगा। अच्छा इसमें क्या था सर, जब आपने रिवर्स बायसिंग में करके देखा था, जब आपने रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया तो एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बेटा, जेनर डायोड का क्या हो जाता है सर, जो पोटेंशियल अक्रॉस जेनर डायोड होता है, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा सर्किट है, यहां पर आपके पास सर्किट है, यहां पर सप्लाई वोल्टेज है, यहां पर आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा, यहां पर आपके पास एक और रेजिस्टेंस है बेटा, और यहां पर आपने क्या किया है, यू हैव कनेक्टेड अ जेनर डायोड समवेयर हियर बेटा। क्या कनेक्ट किया आपने, जेनर डायोड, रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करना है, एंड इट इज अ जेनर डायोड, इसलिए इसके सिंबल को जेड की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ रिवर्स बायसिंग, इसलिए इसको जेड की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जेनर डायोड के अक्रॉस, जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल जो है बेटा वो क्या हो जाता है सर, जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वीजेड, वो फिक्स्ड हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, वो वेरी नहीं करेगा। जो इसके अक्रॉस है तो यही इसके अक्रॉस भी हो जाएगा बेटा, और फिर आपको चाहे जो वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करने के लिए कही जाए वो आप निकाल सकते हैं। जेनर डायोड में क्या हो रहा होता है, जेनर डायोड में यहां पर जो आपकी डोपिंग होती है बेटा वो कैसी होती है, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया ये सारी बातें। डोपिंग लेवल क्या होता है, डोपिंग इज लेस, सॉरी डोपिंग इज हाई बेटा, डोपिंग यहां पर कैसी होती है सर, डोपिंग इज वेरी हाई, बहुत हाई अमाउंट ऑफ डोपिंग हो रही होती है। और यहां पर जेनर डायोड के केस में आपको मिलता है रिवर्स करंट, क्या मिलता है बेटा आपको यहां पर, रिवर्स करंट मिलता है ऑलमोस्ट एट फिक्स्ड वोल्टेज बेटा, और वो फिक्स्ड वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज ये चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा बेटा, बिल्कुल सही बात है, इसमें ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स ये दो चीजें हम कल कर रहे होंगे, इसीलिए तो मैंने ऑलरेडी बनवा रखा है सेशन लॉजिक गेट्स का, ऑलरेडी बनवा रखा, मुझे मालूम था, ठीक है मुझे मालूम था कि ये नहीं हो पाएगा बेटा, बट कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सवाल करते हैं। चलिए जरा यहां पर, अ जेनर डायोड हैविंग द ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट बेटा, ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका फिक्स हो गया 15, तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स हो जाएगा 15 वोल्ट, सीधी सी बात है। यूज इज द वोल्टेज रेगुलेटर बेटा, क्यों यूज किया जा रहा है वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि भाई साहब यहां पर जो आपका जेनर डायोड है वो पोटेंशियल को फिक्स कर लेता है, तो हम इसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए, shown in the figure, current through the diode is beta, diode से current की value क्या होगी? अब total supply voltage कितना है सर? 20 है। total supply voltage कितना है बेटा? 20 है। बढ़िया है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए करंट कितना होगा, इसमें जो है करंट, यहां पर आपके पास रेजिस्टेंस है, तो आप यहां पर बोलेंगे सर सीधी सी बात है, करंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका V डिवाइडेड बाय R, V का वैल्यू होगा 15 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा सर 1000, तो ये आंसर आ जाएगा सर 15 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा? 15 मिली एम्पियर। अब जो टोटल करंट यहां जा रहा होगा वही टोटल करंट यहां पर दो भागों में डिवाइड होगा, एक I1 में और दूसरा I2 में। I2 तो तुम निकाल लिए भाई, I2 तो तुम निकाल लिए कि कितना होगा सर 15 मिली एम्पियर होगा, तो यहां पर इसके पास जाने वाला करंट कितना होगा, तो 15 से तो ज्यादा ही। अरे भाई इससे टोटल करंट निकलेगा I, टोटल करंट निकलेगा I, वो दो भागों में जा रहा है I1 में प्लस I2 में, और I2 का अकेले का वैल्यू 15 मिली एम्पियर आ गया है, तो I1 का वैल्यू तो फॉर श्योर क्या होना चाहिए 15 से ज्यादा, यानी कि 20 मिली एम्पियर। ये तरीका पहला, ये तरीका पहला। अब दूसरा तरीका क्या बेटा, टोटल रेजिस्टेंस आप देखो जरा यहां पर, इसका रेजिस्टेंस यहां आपको दिखाई दिया नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये 250 और ये कितना हो जाएगा 1000, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं बेटा, है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर आपको पता चल गया कि सर ये हो जाएगा आपका 1250 ओम्स बेटा, ठीक है 1250 ओम्स, बढ़िया सी बात है। अब टोटल करंट चाहिए, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा सर, टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे सर 1250 1250, यानी कि हो जाएगा सर 20 डिवाइडेड बाय 1250, तो यहां पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और जब ये टोटल आई निकल कर आएगा इसमें से आपको क्या करना है बेटा, इसको 15 को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है डी आ रहा है, डी आ रहा है बेटा। चलो
हाँ जी, आगे बात करते हैं। ज़ेनर डायोड इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, स्टेबलाइजेशन, प्रोड्यूसिंग ऑसिलेशन इन दी ऑसिलेटर बेटा। तो स्टेबलाइजेशन के लिए इसे यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? स्टेबलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर बेटा। किस तरह से यूज होता है पीएन जंक्शन? पीएन जंक्शन यूज्ड एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं हम इसको। क्या होता है बेटा कि यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास एक सप्लाई वोल्टेज है, पीएन जंक्शन इज रेक्टिफायर। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं बेटा, एक होता है यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है सर यहां पर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है सर आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है सर फुल वेव रेक्टिफायर। सपोज आपने यहां पर कोई सप्लाई दिया बेटा, आपने यहां पर एसी का सप्लाई दिया है और इस तरह से है ना, यहां पर आपने कोई सप्लाई दिया एंड दैट सप्लाई इज लाइक दिस, ठीक है। ये सप्लाई आपने दिया बेटा, यहां पर आपने ये ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है और यहाँ पर इस कॉइल के ज़रिए, इस कॉइल के ज़रिए यहाँ पर आपने क्या किया, एक डायोड लगाया बेटा। और ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और यहाँ पर आपने लगा लिया बेटा लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपने क्या लगाया सर? लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। अब समझिएगा क्या होने वाली है सिचुएशन। अगर हम बात करें सर तो यहाँ पर ये जो आपका सप्लाई पोटेंशियल है ये कैसा होगा सर? दिस सप्लाई, दिस इज द सप्लाई पोटेंशियल बेटा। तो यहाँ पर जब सप्लाई पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, यानी कि ये जो डायोड है ये डायोड क्या करेगा बेटा? ये डायोड करेगा फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन। ये डायोड क्या करेगा बेटा? ये डायोड होगा फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन। अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्शन होगा तो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप लोगों को यहां पर VL मिलेगा बेटा। तो यहां क्या होगा, यहां पर आपको ये कर्व तो मिलेगा, लेकिन जब रिवर्स बायसिंग में सेकंड वाली साइकिल में पहुंचे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, उस सिचुएशन में ये डायोड क्या करेगा बेटा? रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा। एक बार ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, दूसरी बार ये डायोड आपका रिवर्स बायसिंग में है, और उस कहानी के चलते क्या होगा बेटा, यहां पर आपको ये नहीं मिलने वाला कुछ भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो फिर आपको यहां पर मिलेगा। तो इस तरह से हाफ वेव आपको मिल रही है, जितने भी पॉजिटिव साइकिल्स हैं सर। पिछले आंसर में 5 मिली एम्पियर नहीं आएगा, क्यों? कौन से पिछले वाले में क्या कंफ्यूजन हो गया भाई तुम लोगों को? देख लेते हैं, रुको। यार इसको एक तरीके से और किया जा सकता था, रुको एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ इसको हटाते हैं अभी, राइट है ना, इसको हटाते हैं। अगर 20 में से यहां 15 दिया तो इसके अक्रॉस 5 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? अरे टोटल 20 में से यहां 15, यहां 15, तो 5 इसके पास हुआ, 5 इसके पास हुआ तो टोटल करंट का वैल्यू क्या हो गया? टोटल करंट का वैल्यू हो जाएगा सर 5 डिवाइडेड बाय 250, और 5 डिवाइडेड बाय 250 का मतलब आ रहा है सर 1 डिवाइडेड बाय यहां पर 50। अब 1 डिवाइडेड बाय 50 का मतलब है, अगर मैं इसको क्या करूं बेटा, 1000 से कर दूं डिवाइड और 1000 से कर दूं मल्टीप्लाइड, ये 50 दुनी इसको शो करेगा, तो ये आई का वैल्यू आ रहा है 20 मिली एम्पियर, आई का वैल्यू आ रहा है 20 मिली एम्पियर। तो I1 का वैल्यू, हाँ I1 का वैल्यू आ जाएगा, इसमें से 15 आ रहा है, I का वैल्यू मैंने यहाँ पर एक्चुअली 20 टिक कर दिया था, सही है। अरे आंसर 20 मैंने क्या कर दिया था, I1 का वैल्यू नहीं। अगर I यहाँ पर आपका कितना है सर, अगर ये यहाँ पर 15 है, I का वैल्यू आपका 20 आ रहा है, तो I1 का वैल्यू 5 होगा। I apology, मैंने I का वैल्यू टिक कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। चलो मतलब हो गया आप समय, हो गया आप समय, इंडिकेशन आ गई इस बात की, राइट। तो यहां पर क्या होता है सर, जो पॉजिटिव साइकल्स हैं उसके लिए यहां पर आपको क्या मिल रही है, सारी वैल्यूज मिल रही है, यू विल बी हैविंग द कर्व लाइक दिस बेटा। अब अगर आपको कर्व इस तरह का मिल रहा है तो इस कर्व में यहां पर आपको आई एवरेज अगर चाहिएगा बेटा, एवरेज करंट जैसे हम एसी में निकालते ना, तो यहां पर आपका जो एवरेज करंट होगा बेटा, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो एवरेज करंट का वैल्यू हो जाएगा फॉर वन पॉजिटिव साइकिल इज I0 डिवाइडेड बाय पाई बेटा। और अगर वी एवरेज की बात करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका V0 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। और अगर यहां पर आप आई आर एम एस की बात करेंगे तो वो होगा सर यहां पर आपका आई नॉट डिवाइडेड बाय टू, और अगर आप यहां पर वी आर एम एस की बात करेंगे तो वो होगा बेटा वी नॉट डिवाइडेड बाय टू। अगर आप यहां पर रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर एक चीज होती है बेटा जिसे आप यहां पर समझेंगे अभी, रिपल फैक्टर एक यहां पर टर्म होता है, तो लिखेंगे सर रिपल फैक्टर, ठीक है। इन सब पर सवाल आ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है उसे समझिए। रिपल फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, और ये होता है आपका आई आर एम एस, ठीक है। ये होता है बेटा आपका आई आर एम एस डिवाइडेड बाय क्या होगा यहां पर, या फिर आई ए सी डिवाइडेड बाय आई डी सी, ठीक है। जो यहां पर डायरेक्ट करंट है जिसको आप एवरेज करंट बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है सर, जो अमाउंट ऑफ करंट आपने सप्लाई किया वो। और इसी रिपल फैक्टर का फॉर्मूला अगर आपको बनाना है बेटा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, आई आर एम एस डिवाइडेड बाय हो जाता है सर आपका आई एवरेज का होल स्क्वायर माइनस वन, और ये पूरी कहानी अंडर रूट में होती है। अगर हम इसके लिए देखें तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा। रिपल फैक्टर यहां पर कैलकुलेट करेंगे अंडर द रूट ऑफ आई आर एम एस का वैल्यू कितना है, आई नॉट बाय टू। तो यहां पर हमने लिख दिया सर आई नॉट डिवाइडेड बाय टू, ये कितना हो जाएगा सर आपका आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई। इस पूरे का क्या होगा सर, होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया बेटा, वन हो गया। सॉल्व किए सर, यहां पर आई नॉट कैंसिल हो गया, पाई बाय टू का होल स्क्वायर आ रहा है, पाई बाय टू का क्या आ रहा है बेटा, होल स्क्वायर माइनस वन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 1.21 बेटा, 1.21 हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर। तो 1.21 रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या होता है बेटा, जितना ज्यादा होता है रेक्टिफायर उतना ही बेहतर रेक्टिफाई करेगा वोल्टेज को, ठीक है, क्लियर है नहीं? अरे ओ हिमांशु, हिमांशु बेटा, हिमांशु बेटा, इतना मेरे को फिजिक्स आता है, ठीक है। हाँ, हर जगह गलती नहीं होती, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है दोस्त, हाफ वेव रेक्टिफायर है। फुल साइकिल होता तो आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू होता, वो फुल वेव रेक्टिफायर में होगा, वो फुल वेव रेक्टिफायर में होगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ, श्वेतांक उपाध्याय बोल रहे हैं कि सर, श्वेतांक उपाध्याय की सर प्लीज़ बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास ले लीजिए। या तो बेटा आप प्लेलिस्ट चेक नहीं करते, आप रेंडमली आए हैं, ये निश्चय 2.0 है, इसकी शुरुआत ही बेसिक मैथमेटिक्स से करी थी बेटा, एलिमेंट्री मैथ इन फिजिक्स पहला लेक्चर, ठीक है, जाकर देखो उसे। यहाँ पर हो गया बेटा सारा का सारा हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड, कहानी कोई कन्फ्यूजिंग तो नहीं लग रही है बेटा? फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सॉरी यहाँ पर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है सर आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर बस ये फॉर्मूला कभी पूछा नहीं जाता, बट अगर याद रखोगे काम बन जाएगा, 40.6% है ना डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा, 1 प्लस यहां पर होता है सर आर एफ डिवाइडेड बाय आर एल, यहां पर होता है ये रेक्टिफायर का रेजिस्टेंस बेटा। आर एफ यहां पर क्या हो गया बेटा, रेक्टिफायर रेजिस्टेंस हो गया, आर एफ हो गया आपका यहां पर रेक्टिफायर रेजिस्टेंस, रेक्टिफायर का या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा, और आर एल आपका हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर एल क्या हो जाता है बेटा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाता है, तो या फिर इसको हम लोड रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे याद नहीं रखना, देखो मेरी बात सुनो, आज तक एक भी सवाल इसके ऊपर आया नहीं, दैट डज नॉट मीन कि आगे भी नहीं आएगा, तो अगर कहीं पर ध्यान होगा तो काम बढ़िया बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक चीज है बेटा जिसे आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं सर पीएन जंक्शन डायोड में फुल वेव रेक्टिफायर की, किसकी बात करेंगे सर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब जब फुल वेव रेक्टिफायर की आप चर्चा कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यहां पर सप्लाई वोल्टेज है बेटा, यहां पर आपका सप्लाई वोल्टेज है, और सप्लाई वोल्टेज में आपने यहां पर क्या किया सर, आपने इस तरह से कनेक्ट किया यहां पर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में आपने यहां पर लगाई सर, सिचुएशन इज लाइक दिस। अब यहां पर क्या होता है, स्विच एक्स्ट्रा लगाना है, यहां पर एक डायोड इस तरह से कनेक्टेड है बेटा, यहां पर एक डायोड D2 होगा वो उल्टा कनेक्टेड होगा, ठीक है, लाइक दिस, और यहां पर आपने स्विच कनेक्ट किया है, बीच में यहां पर आपका लोड रेजिस्टेंस RL होता है, ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस, एक बारी ऐसा और दूसरी बारी इसके साथ कनेक्टेड होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे सर क्या समझ में आएगा, कि अगर आपने यहां पर सप्लाई वोल्टेज दिया, अगर आपने यहां पर सप्लाई वोल्टेज दिया और वो कर्व यहां पर ऐसा है, ठीक है, दैट कर्व इज लाइक दिस, है ना, तो यहां पर आपको जो हाफ वेव रेक्टिफायर में रेक्टिफाइड वोल्टेज जो मिलेगा क्या होता है बेटा, फर्स्ट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना, यहां पर क्या होगा सर, ये D1 होगा फॉरवर्ड बायसिंग में और ये डायोड D2 होगा बेटा रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहां पर पोटेंशियल कम, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, ये हो गया रिवर्स बायसिंग, ठीक है। अब इस सिचुएशन में यहां पर आपको क्या मिल गया, यहां पर आपको इस तरह से मिल गया बेटा आउटपुट, लेकिन जब आपने साइकिल को रिवर्स किया, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बेटा, जब नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं,
हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका D2 है वो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपका पोटेंशियल नेगेटिव है, यहां पर पोटेंशियल नेगेटिव से और कम यानी कि जीरो की तरफ है, और ये जो आपका D1 है ये हो जाता है बेटा रिवर्स बायसिंग में। तो यहां से कंडक्शन नहीं होगा, इधर से कंडक्शन हो जाएगा, तो भी यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, इस तरह का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इस बार आपको मिल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि हर एक सप्लाई वोल्टेज साइकिल के लिए आपके पास आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू है बेटा। तो यहां पर हम इसे कहते हैं सर फुल वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं बेटा इसको, हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें आई एवरेज का वैल्यू कितना होगा, तो आई एवरेज का वैल्यू हो जाएगा बेटा देखो ये भी और ये भी दोनों साइकिल है, जहां दोनों साइकिल होती है वहां पर एवरेज का वैल्यू हो जाएगा सर 2I0 / π। वोल्टेज एवरेज का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, तो 2V0 / π। यहां पर अगर आप बात करेंगे सर आई आरएमएस की, अब होगा बेटा सही यहां पर ठीक है, तो ये होगा I0 / √2। और अगर आप यहां पर V RMS की बात करेंगे तो ये होगा बेटा V0 / √2। RMS वैल्यूज यहां पर आपके सामने निकल कर आ जाती है बेटा ठीक है। अगर आप यहां पर बात करेंगे सर इसके रिपल फ्रीक्वेंसी की, देखो इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो एक सेकंड में अगर ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो यहां पर भी एक सेकंड में दो, यहां पर भी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है बेटा। यानी कि अगर हम देखें रिपल फ्रीक्वेंसी, तो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, रिपल फ्रीक्वेंसी जो है, जो रिपल्स यहां पर बन रहे हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी इस एसी की फ्रीक्वेंसी का दुगना होगा। रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ किसकी फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाइड एसी, जो भी सप्लाइड एसी है उससे ज्यादा होगा। अगर आप यहां पर बात करें सर, आर का वही फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ सेम है ना, आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई एवरेज का होल स्क्वायर माइनस वन, वैल्यू निकाल लेंगे 0.41 आता है इसका रिपल फैक्टर बेटा। कितना आता है सर 0.41 इसका रिपल फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफायर का। अगर आप इसके एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये जस्ट डबल हो जाती है बेटा 81.2% होल डिवाइडेड बाय होगा सर 1 प्लस यहां पर रेक्टिफायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस। सो दिस इज द एफिशिएंसी दैट यू पीपल हैव। क्लियर, खत्म। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, देर आर सम फॉर्मूलाज दैट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द वैल्यूज बेटा ठीक है। 0.48 होता है मेरे ख्याल से, 0.48 होता है यार, 0.48 होता है ठीक है। डन डना डन डन, समझे, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा थोड़ा सा बड़ा लिखें, चलो अब लिखेंगे बड़ा। अरे मेरी क्या, एक तो स्पेलिंग बहुत गड़बड़ होती है ठीक है, तो मैं जो बोलूँ बस उसको सुनना, बाकी सब लिखना अपने तरह से ठीक है। मेरा स्पेलिंग हमेशा ऊपर नीचे होता है ठीक है, मेरा स्पेलिंग हमेशा ऊपर नीचे होता है बेटा। पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर हमने डिस्कस कर लिया सर, पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर हमने डिस्कस कर लिया सर, इसके न्यूमेरिकल करते हैं एंड देन वी विल एंड अप द सेशन हियर इटसेल्फ बेटा ठीक है। द पिक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर ठीक है विथ अ साइनोसॉइडल सिग्नल विदाउट फिल्टर इज 10 वोल्ट बेटा। द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज, डीसी कंपोनेंट मतलब वी डीसी की बात कर रहा है या फिर वी एवरेज की बात कर रहा है, जो कि वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा, पाई होता है। यहां पर वी नॉट का वैल्यू 10 वोल्ट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय पाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10 डिवाइडेड बाय पाई वोल्ट। फॉर्मूला याद होगा तुरंत कर लोगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मीन्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल विल बी, किसकी बात कर रहा है बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोला था मैंने, फुल वेव रेक्टिफायर की जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो एसी की फ्रीक्वेंसी का दोगुना होती है, यानी कि आंसर हो जाएगा 50 का डबल 100 हर्ट्ज। 50 का डबल क्या हो जाएगा बेटा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, यहां तक कोई किसी को कोई कंफ्यूजन ठीक है, सबसे आसान था। चलिए पीएन जंक्शन में कुछ स्पेशल डायोड्स हैं बेटा ठीक है, स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन, एक यूज होता है यहां पर आपका एलईडी का, एक यूज होता है बेटा आपका एलईडी का। दिस इज नथिंग बट जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन कर देता हूं, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी करा देता हूं। तो क्या होता है कि जैसा फॉरवर्ड बायसिंग होता है सिमिलरली यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग होता है इस पीएन जंक्शन डायोड में, सेम यहां पर सेटअप होता है। तो जब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, किसी डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है बेटा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्यूज करते हैं। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के पास में, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, जंक्शन के पास में आके फ्यूज करते हैं। जब वो फ्यूज कर रहे होते हैं तो दे रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन यहां पर आपको ऐसे दिखाई पड़ती है। अब अलग अलग इंटेंसिटी के डिपेंड पर अलग अलग यहां पर आपको कलर मिल सकता है, तो अलग अलग यहां पर एलईडीज आपको मिल सकती हैं। इनका ऑपरेटिंग पोटेंशियल इज वेरी वेरी लेस बेटा, ठीक है। ऑन ऑफ का टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी लेस, तो ये आपका मेंटेनेंस फ्री एक तरह से सेटअप हो जाता है। अगर आप इस एलईडी के सिंबल की आप बात करेंगे तो इसको इस तरह से जो है, कभी आप मार्केट में जाएंगे देखेंगे खरीदेंगे भी, तो आपको इस तरह से दिख जाएगा सेटअप बेटा, ठीक है। इस तरह का सेटअप आपको दिख जाएगा, एक होता है छोटा एंड और एक होता है बड़ा एंड। यहां पर जो बड़ा वाला है वो पी साइड है, जो छोटा वाला वो एन साइड है बेटा, और एलईडी इस तरह का होता है। यहां पर ये फिर ग्लो करता है। एलईडी बल्ब आपने देखे होंगे ना, एलईडी बल्ब आपने देखे होंगे। दिस इज सिमिलर टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन बेटा, सिमिलर टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन डायोड। पीएन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग जिस तरह से होता है और जैसा उसके स्पेसिफिकेशन से एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, कोई यहां पर अलग चीज नहीं है एलईडी से रिलेटेड सेटअप में बेटा, ठीक है, क्लियर है। नहीं आज 10 बजे वाला क्लास नहीं है बेटा, है ना, मैं थोड़ा सा ऑफिस के उसमें लगा हुआ हूँ, ठीक है। अभी 23 को मेरे ऑफिस का इनॉग्रेशन है बेटा, ठीक है, तो मैं उसमें थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ। बट यस, कल आपकी स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि आज वैसे ही सेमीकंडक्टर हम खत्म नहीं कर पाए ना, तो कल हम एटम का क्या कर रहे होंगे, कल हम एटम का प्रैक्टिस करेंगे बेटा, सेमीकंडक्टर का प्रैक्टिस हम परसों कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहां पर हम सवाल कर लेते बेटा एलईडी से रिलेटेड। एलईडी समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है व्हेन द फोटो आपका होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्यूज एट द जंक्शन लेवल, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू मेक द यहां पर लाइट बेटा, ठीक है। तो एलईडी में आप क्या कर रहे होते हो, बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी बेटा। आप एलईडी में क्या कर रहे होते हैं, एलईडी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा, वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वी आर कन्वर्टिंग इनटू द लाइट एनर्जी बेटा। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग इनटू द लाइट एनर्जी, ठीक है। ये हमारा बेसिक सेटअप होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं सर। एन एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पीएन जंक्शन, ठीक है, बढ़िया बात है। डायोड यूजिंग द गैलियम आर्सेनिक एंड फास्फोरस बेटा, एक तरह से मिक्स्ड यहां पर मटेरियल का बनाया गया है। द एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड विल बी इक्वल टू। अब एनर्जी गैप अगर यहां पर कितना 1.9 का है, और क्या हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्यूज होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं बेटा एलईडी के केस में, जब इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने से यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और अगर फ्यूज हो रहे हैं तो ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ अ फोटोन बेटा, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है सर, फोटोन की एनर्जी होती है सर hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा आपको निकालना है, एनर्जी आपको दिया हुआ है, लैम्डा यहां पर निकालना है, एनर्जी आपको दिया हुआ, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, hc डिवाइडेड बाय एनर्जी, और एनर्जी आपने यहां पर e लिख लिया, ये हो जाएगा लगभग आपका 1240, और इसको एज इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.9 रख दीजिए, ये किस में आ जाएगा आपका, नैनोमीटर्स में आंसर आएगा। अब अगर ये 1.9 है, ऑलमोस्ट अगर मैं इसको 2 मान लेता तो 1240 का ये हो जाता 620, और 620 यानी कि मैं आंसर कर दूंगा सर 654 नैनोमीटर्स बेटा, ठीक है, 654 नैनोमीटर्स आ रहा है आंसर सभी लोगों का, डायरेक्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं आपके फोटो सेल्स, नेक्स्ट क्या आते हैं बेटा आपके फोटो सेल्स, क्या होते हैं फोटो सेल्स के कॉन्सेप्ट में उसको समझते हैं। फोटो सेल्स में क्या करते हैं कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है, उस पीएन जंक्शन डायोड में डायोड के ऊपर आप लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। फोटो सेल्स आर ऑलवेज बेटा, स्पेशल केस ऑफ डायोड होता है ऑलवेज, ये किसमें कनेक्टेड होता है बेटा, ऑलवेज इन रिवर्स बायसिंग बेटा, हमेशा किसमें कनेक्ट होगा सर, रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होगा। और जब रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड है, जब ये किसमें कनेक्टेड है बेटा, रिवर्स बायसिंग में, तो देखो क्या होने वाला है, ठीक है। यहां पर आपके पास डायोड होता है, यहां पर आपके पास डायोड होता है, विंडो होती है, ठीक है। यहां पर ये प्लस टर्मिनल रखा हमने, यहां पर हमने माइनस टर्मिनल रखा, तो बायसिंग कैसी होगी इसकी, रिवर्स बायसिंग। अब आपने यहां पर क्या किया बेटा, यू हैव इंसिडेंट सम शॉर्ट ऑफ एनर्जी, यहां पर क्या किया आपने, एनर्जी को फॉल करवाया, लाइट को क्या किया बेटा, फॉल करवाया। तो यहां पर लाइट जब फॉल कर रही है तो इसके पास एनर्जी है बेटा एच न्यू, एंड दिस एच न्यू इज मोर देन एनर्जी, यहां पर जो बैंड गैप की उससे ज्यादा होगी बेटा, तो
इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्वायर करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डिफ्यूज नहीं कर पा रहे थे, फ्लो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ रिवर्स बायसिंग, वो इस फोटोन से एनर्जी को एक्वायर करेंगे, एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, एनर्जेटिक होंगे और फिर फ्लो करने लगेंगे बेटा। और फ्लो करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिल जाता है, करंट मिलता है। लेकिन सिंस ये रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड है तो हमें यहां पर क्या मिलेगा सर, हमें यहां पर रिवर्स करंट मिल रहा होता है। कैसा करंट मिल रहा होता है बेटा, हमें यहां पर रिवर्स करंट मिल रहा होता है। सो व्हेन द लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी इंसिडेंट ओवर द डायोड, बेटा विंडो होती है यहां पर, ग्लास विंडो है ना, या तो ग्लास से लाइट एंटर कर जाए या फिर हम वैसे ओपनिंग छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का सेटअप होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझिए जरा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है। अच्छा एक चीज देखो जरा, अगर फोटोन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। किससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन से। तो अगर उसने फोटोन से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो यहां पर क्या करेगा, अच्छा एनर्जी कितनी होनी चाहिए बेटा, मोर देन बैंड गैप बेटा, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए। ईजी से ज्यादा एनर्जी होगा तभी तो वो बाहर निकलेगा एक्साइट होकर। तो यहां पर फोटोन से एनर्जी को एक्सेप्ट किया, एनर्जेटिक हुआ, एनर्जेटिक हुआ तो यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यहां पर आपको क्या मिलेंगे बेटा, फोटो, हमने पढ़ा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि फोटोन की एनर्जी को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाता है, तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा। अब आपको एक बात मालूम है कि सर अगर आप इंटेंसिटी की बात करेंगे, मोर इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन करंट बेटा। बोलो हाँ या ना, करंट भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप यहां पर रिवर्स बायसिंग में, अगर आपको यहां पर रिवर्स बायसिंग में करंट मिल रहा है, ये इंटेंसिटी I1 पे है, ये इंटेंसिटी I2 पर होगा बेटा, और ये इंटेंसिटी आपका I3 पर होगा। तो यहां पर आप पाएंगे कि सर I3 इज मोर देन I2 इज मोर देन I1 बेटा, ठीक है। तो ये एक आपके पास सेटअप है फोटो सेल का, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गया, व्हाई वी आर मेकिंग इन द रिवर्स बायसिंग ओनली, बिकॉज ये स्पेशली कनेक्टेड ही रिवर्स बायसिंग में होता है, फोटो सेल स्पेशली कनेक्टेड इन द रिवर्स बायसिंग ओनली, ठीक बेटा। क्लियर, अंडरस्टूड द लास्ट वन है ना, लेकिन उसके पहले सवाल है। इन द पीएन जंक्शन फोटो सेल द वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहां पर किसके प्रोपोर्शनल होगा ये आपसे पूछा है बेटा। जल्दी से आंसर बताइए, देखना चाहता हूं मैं क्या आंसर निकल कर आ रहा है आप लोगों का। हाँ थक गए यार, हाँ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सेल, अरे अभी तो पढ़ाया, मोर विल बी द इंटेंसिटी, मोर विल बी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा, टाइट, ठीक है। फोटोवोल्टेइक सेल की तरह बिहेव करता है ये एक तरह से। नाउ सोलर सेल बेटा द लास्ट वन, सोलर सेल, सोलर सेल में क्या कर रहे होते हैं, सोलर सेल में हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा सेटअप होता है। यहाँ पर हमारे पास पी टाइप होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है सर, एक हमारे पास पी टाइप यहाँ पर मटीरियल है और पी टाइप के ऊपर हम एन टाइप को ग्रो कराते हैं बेटा। पी टाइप के ऊपर हम क्या कराते हैं सर, एन टाइप को ग्रो कराते हैं। पी टाइप के ऊपर एन टाइप ग्रो किया और नीचे हम यहाँ पर मेटल लगाते हैं बेटा। नीचे हम यहाँ पर क्या लगाते हैं सर, मेटेलिक सर्फेस लगाते हैं। यहाँ पर नीचे हमने मेटेलिक सर्फेस लगाया, ऊपर भी हमने मेटेलिक सर्फेस लगाया। नीचे भी आपके पास मेटल है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, ऊपर भी आपके पास मेटल है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, और इसमें ना ऐसी गैप्स होती है बेटा, इसमें विंडो होती है इस तरह से, ठीक है। तो इसके ऊपर ना लाइट फॉल करती है, इसके ऊपर ना लाइट क्या करती है बेटा, फॉल करती है। और जब लाइट फॉल करती है तो वो जंक्शन जो होता है वहां पर जाकर फॉल करती है। जब लाइट जंक्शन पर जाकर फॉल करती है तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, अगर एनर्जी ई है विच इज मोर देन बैंड गैप बेटा। अब यह एनर्जी ई क्या है आपको मालूम है कि सर, ई एनर्जी यहां पर क्या होता है, h nu फोटोन की एनर्जी के बराबर। तो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन वहां से एक्साइट होकर वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चला जाता है बेटा। और जब वो वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जा रहा है, इन द डिप्लीशन रीजन क्या यहां पर बन रहा है बेटा, नो बैटरी इज कनेक्टेड, तो इलेक्ट्रॉन को यहां पर ड्रिफ्ट मिल जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ड्रिफ्टेड होगा आपका n साइड
में जो होल आपका होगा वो ड्रिफ्ट होगा पी साइड में बेटा। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया, होल्स नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो गया, ये वाला जो आपके पास है ये पॉजिटिव यहां पर आपका जो है हो गया, और ये वाला जो सेटअप है ये आपके पास क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। यानी कि आप इसे कहेंगे सर ये आपका कैथोड हो गया बेटा, ये एक तरह से कैथोड हो गया, और ये वाला आपके लिए क्या हो गया बेटा, दिस विल बी योर काइंड ऑफ एनोड हो गया। अब अगर यहां पर इस कैथोड और एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया, नाउ इफ यू आर कनेक्टिंग एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा, इफ यू आर कनेक्टिंग एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये सोलर सेल क्या कर रहा है, आपको यहां पर करंट दे देगा इस तरह से, एंड यू विल रन द सर्किट यहां से बेटा, ठीक है, यू कैन रन द सर्किट फ्रॉम हियर। तो समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। वी विल बी हैविंग सम विंडो ओवर द एन साइड बेटा, एन साइड के ऊपर, क्योंकि आपने मेटल रॉड्स लगाई हैं तो बीच में गैप होनी चाहिए, वहां से जब लाइट इंसिडेंट करती है तो वो जंक्शन पर जाकर हीट करती है, उस लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं, एक्साइटेड होकर वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और आपको यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड होते हैं एन साइड, होल्स ड्रिफ्टेड होते हैं पी साइड, आपको यहां पर सेटअप मिल जाता है, एक आपका नेगेटिवली चार्ज, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज, जस्ट लाइक अ बैटरी, एंड यू कैन हैव द करंट बेटा। अब यहां पर ये जो फोटो सेल्स हैं ये खुद ब खुद क्या कर रहे हैं, करंट को यहां पर सप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर जो करंट है और जो पोटेंशियल है उसका जो कर्व होगा बेटा, आई वर्सेस वी, वो कर्व आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, और कर्व कुछ इस तरह का होगा बेटा, ये बस ध्यान रखिएगा आप। एंड ये रहा यहां पर आपके पास इफेक्ट यहां पर बेटा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ग्रह कार्य में दे रहा हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसे रीड करके बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट्स का क्लास कल सुबह 6:30 पर होगा, और आज आप लोगों को शाम 6 बजे, ठीक है, हेलो फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल है बेटा, सर्च करना है, वहां पर मैं शाम 6 बजे आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा कि कहां से आप लोगों को रिविजन क्वेश्चन पिक करने हैं। आज से मैं आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के 2020 क्वेश्चंस फॉर द रिवीजन पर्पस देने वाला हूं। उन 20-20 सवालों को डेली बेसिस पर शाम 6 बजे करिए, आप बेहतरीन लेवल पर पहुंच जाएंगे बेटा। आप अगर चाहते हैं कि भाई 2023 या 24 की तैयारी, और आप चाहते हैं कि भाई मैं माही भैया के साथ ऑल द टाइम कनेक्टेड रहूं, तो आप MS लाइव कोड लगा लीजिए और आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आ जाइए बेटा। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए वहां पर अवेलेबल रहेंगे। सभी टॉप एजुकेटर्स का बेस्ट कंटेंट, सारा स्टडी मटेरियल, सारे DPPs, सब कुछ आप एक्सेस कर पाएंगे विद दिस कोड बेटा, ठीक है। तो डू इन्वेस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि यार 23 में हमें बेहतर करना है, तो ये कोड है आपके लिए बेटा, ठीक है, MS लाइव। ओके, डेटा खत्म हो गया, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू लेट मी नो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, हर एक डिटेल मैंने आज एक्सप्लेन करी बेटा, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा था। लंबाई की चिंता मत करिएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत अच्छे से है तो ड्यूरेशन तो ज्यादा लगेगी, 1 घंटे में सिलेक्शन नहीं हो सकता मेरे दोस्त, 1 घंटे में फिजिक्स का कंटेंट तो कम से कम खत्म नहीं किया जा सकता। मैं कहूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वी नीड सम टाइम एंड योर सपोर्ट्स एज वेल। आपका प्यार ही हमारे लिए फ्यूल का काम करेगा बेटा, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।